हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है टैक्सेशन ऑफ कंपनी एलएलपी एंड नॉन रेसिडेंट। सो इसमें अपन टोटल तीन छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। चलो सो पहले देख रहे हैं टैक्सेशन ऑफ कंपनी, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे एलएलपी एंड फिर कंप्लीट करेंगे नॉन रेसिडेंट एसएससी। ओके, नाउ अभी पहले एक आधा घंटा अपन बेसिक पढ़ेंगे कंपनी क्या होता है, फिर उसके टैक्सेशन क्या होगा। अच्छा, और आपने एग्जीक्यूटिव में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, मतलब कंपनी के टैक्स रेट क्या आपको पता है, 30% 40%। तो ये यही पढ़ना है, बट अभी उसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल नहीं थे, तो एग्जीक्यूटिव में जो आपने पढ़ा इट्स प्योरली फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। इवन एलएलपी भी आपको था एग्जीक्यूटिव में, नॉन रेसिडेंट भी था, बट वो पूरा थियोरेटिकल एंगल था। अभी जो पढ़ना है वो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। सो दिखने के लिए ये चैप्टर सेम लगे, बट जैसे अपन अंदर जाएंगे अपने को फर्क समझ में आएगा। तो पहले एक आधा एक घंटा बेसिक पढ़ते हैं। देखो, मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 17। कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी, तो जो इंडियन कंपनी उसमें आता ही है। बॉडी कॉरपोरेटेड इनकॉरपोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर द लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन कंपनी भी कवर्ड है। क्योंकि अगर ऊपर हेडिंग देखेंगे, हेडिंग में ही मैंने क्या लिखा है, टैक्सेशन ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, तो मैं दोनों की बात करने वाला हूँ। तीसरा, एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी वेदर इंकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ बोर्ड टू बी कंपनी। मतलब सीबीडीटी ने जिनको बोला है कि इनको हम कंपनी मानेंगे, इनका असेसमेंट कंपनी जैसा होगा, वो भी इसमें कवर्ड है। तो अगेन दिस इज जनरल डेफिनेशन। नाउ अभी ऊपर था कंपनी इंक्लूड्स इंडियन कंपनी, अभी इंडियन कंपनी का डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 26। इंडियन कंपनी मींस कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड इंक्लूड, अब इस पर 2013 भी आ गया। अ कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज फॉर्मली इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरेटरी, ठीक है ना। सो सभी कंपनीज इसमें क्या है, कवर्ड है। देन कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट, एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन बॉडी, तो ये आप सब ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो ये पढ़ो मत, मैं जस्ट एक बार पढ़ रहा हूँ, इस पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। देन क्लासेस ऑफ कंपनी, ये भी कुछ काम का नहीं है। तो देखो पहला कौन सा क्लास है, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइडली हेल्ड कंपनी। तो देखो उसमें क्या क्या आता है, पहला गवर्नमेंट और आरबीआई होल्डिंग, इट इज़ अ कंपनी विच इज़ ओन बाय गवर्नमेंट और आरबीआई इन विच नॉट लेस देन 40% ऑफ शेयर्स आर सिंगली और टुगेदर आर हेल्ड सिंगली और टुगेदर बाय गवर्नमेंट और आरबीआई और कॉरपोरेशन ओन बाय दैट बैंक। मतलब जिसमें गवर्नमेंट या आरबीआई का 40% या उससे ज़्यादा स्टेक होगा, सिंगल या कंबाइन, तो उसको हम बोलेंगे कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। देन सेक्शन 8 कंपनीज, ये भी आपने पढ़ा है। देन विच इज़ नोटिफाइड सीबीडीटी टू बी ए कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, ये सब मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ, आप ऑलरेडी कंपनी लॉ में सब कुछ पढ़ चुके हो, तो मेरे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट एक मैं एक बेसिक रिविजन ले रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, इसका टैक्स पार्ट मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ये पेजेस मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ, सो आपने भी नहीं पढ़ा तो भी चलने वाला है। शेयर होल्डिंग बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आपने पढ़ा है, जिस कंपनी में किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 50% या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो वो भी वही होगा, उसको बोलेंगे कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड। देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, जिसमें लिस्टिंग ऑफ शेयर्स होना क्या है, ज़रूरी है, तो उसको बोलेंगे लिस्टेड, एंड लिस्टेड नहीं तो बोलेंगे प्राइवेट, ठीक है। देन जिसमें 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हो सकते हैं, या कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं,
A company in which public is सबसे interested or any subsidiary of such company, if the whole share capital of such subsidiary has been held by parent company throughout the previous year, तो उसको भी बोलेंगे public sector company, public limited company. So what is public limited? एक तो listed है और उसके 50% shares किसके पास है? Government के पास है. Any corporation established by central state government. And तीसरा, कोई holding company जिनके पास subsidiary के पूरे shares है, more than 50 throughout the year. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एंड ऊपर के कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होते तो उसको बोलते हैं हम क्लोजली हेल्ड, मतलब प्राइवेट कंपनी आप जिसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोज हेल्ड कंपनीज. तो ये आप सब पढ़ चुके हो, तो इसके ऊपर जो मैंने पढ़ा है मैंने पर्पसफुली ऊपर ऊपर से पढ़ा है, इसको मत पढ़ो, ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं. इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया क्योंकि कंपनी लॉ में आप इससे डिटेल में पढ़ चुके हो. सो मेरे सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन नहीं आएंगे. हाँ, नाउ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपने सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं. अभी मैं एक एक डिटेल में डिस्कस करूँगा. पहला, मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. अभी आप मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये टर्म्स मैं आगे जाके यूज़ करने वाला हूँ. क्लोजली हेल्ड कंपनी आगे आएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आगे आएगा, तो आपको क्लैरिटी रहे इसलिए पढ़ रहा हूँ. तो इस पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये टर्म्स आई विल बी यूजिंग इट इन फ्यूचर. तो बोलो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अपन सब ने पढ़ा, एग्जीक्यूटिव है, वही है. बोलो क्या है? अगर आपके पास किसी कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अ पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस. पहला, अ पर्सन हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स नॉट बीइंग शेयर्स आइदर इन एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वेदर और विदाउट राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट कैरिंग नॉट लेस दैन. बस आप इतना ही ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी मत पढ़ना. अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है एंड जो 20% है उससे ज़्यादा है तो यू विल बी ट्रीटेड एज पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. बस इतना ध्यान में रखो, इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊँगा. एंड अदर देन, ये कंपनी है तो, अदर देन कंपनी है तो, अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इफ ही होल्ड्स 20% और मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट. मतलब क्या है 20%? मतलब वही है. तो बोलो दोनों में फ़र्क क्या है फिर? पहले में कंपनी है, दूसरे में नॉन कॉर्पोरेट, मतलब कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 20% है उससे ज़्यादा है, तो उस आदमी को बोला जाएगा पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. तो अगर कंपनी है तो 20% प्रॉफिट, अदर देन कंपनी है तो अगर मेरा प्रॉफिट रेशो 20% है उससे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. आगे नाउ, अभी ये देखो, सही, आपने क्यों पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा इस चैप्टर में? पहला, मैं आपको जब डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा यहाँ पे ही यूज़ होगा. दूसरा, आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाता है, लेकिन अभी अपने को सैलरी है नहीं, बस मैंने दिया है कि इसका रेफरेंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. तीसरा, सेक्शन 48(2), ये आपने PGPP में पढ़ा है कि एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव को दिया तो वो खर्चा डिसअला होता है, एंड उस रिलेटिव में पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कवर्ड है. एंड फोर्थ, क्लबिंग, जो अभी आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा है. तो ये चार जगह पे इस प्रोविजन का यूज़ होता है, इसमें से मैं आपको खाली ये पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बाकी जो BCD है वो खाली एग्जीक्यूटिव में थे, वो फाइनल में नहीं है, आप मॉड्यूल चेक कर सकते हैं. तो अभी अपन इस कॉन्सेप्ट को, मैं आगे जब डिविडेंड में जाऊंगा तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो आगे नहीं है, जस्ट पढ़ के रखना है. नाउ, ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको स्टार करो, ये एग्जाम में डिस्टिंग्विश आता है 2-3 मार्क के लिए, इसको पढ़ के रखना है. इसके ऊपर का नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो एग्जीक्यूटिव में, कुछ भी मैंने नया नहीं पढ़ाया. तो जहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि वो एग्जीक्यूटिव में हो चुके हैं और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन उसको जस्ट एक बार पढ़ के आगे जाएंगे. नाउ, ये डिस्टिंग्विश अपने को पढ़ना है फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. पहला, डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स एन इंडियन कंपनी, जो भी अपन ने पढ़ा, एंड एनी अदर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट. मतलब कोई दूसरी कंपनी है जो इंडिया में टैक्स दे रही है, मतलब फॉरेन कंपनीज, बट हैज़ मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ डिविडेंड, एंड जो डिविडेंड भी इंडिया में दे रही है
इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, तो ही उसको डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा. मतलब इंडियन कंपनी छोड़ के कोई कंपनी इंडिया में तो टैक्स भर ही रही है, अगर उन्होंने डिक्लेयर डिविडेंड भी इंडिया में डिक्लेयर किया है और पे भी यहीं पे किया है, तो भी उनको डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा, अदरवाइज उनको माना जाएगा फॉरेन कंपनी. एंड देखो, फॉरेन कंपनी जो है, लेट्स से BMW, ये इंडिया में टैक्स तो देंगे 40%, बट डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके शोल्डर इंडिया के बाहर है, जर्मनी में है, तो वहाँ पे डिविडेंड देंगे, यहाँ पे क्यों देंगे. एंड ये कंपनी जो इंडिया में आई है, खुद के पैसे से आई है, 100% सब्सिडियरी, उनका कोई, उनको पैसे की जरूरत नहीं, दे हैव ह्यूज मनी. सो ये उनके खुद के कंपनीज है पूरे, कोई अलायंस के साथ इंडिया में नहीं आई है. BMW पूरा 100% उनका है, होली ओन सब्सिडियरी, 100% उनका पैसा है. तो इंडिया में उनको किसी शोल्डर पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करने का काम ही नहीं है, जो है पैसा उनका खुद का है. तो ये दिया है यहाँ पे, तो इंडियन कंपनी प्लस जो दूसरा कंपनी जो टैक्स भी इंडिया में दे और डिविडेंड भी इंडिया में दे, तो ही डोमेस्टिक मानेंगे. अदरवाइज खाली टैक्स यहाँ पे दे रहे और डिविडेंड वहाँ पे, फिर वो फॉरेन कंपनी में जाएगा. सो फर्क क्या पड़ता है उससे, रेट ऑफ टैक्स. डोमेस्टिक कंपनी के लिए 30% टैक्स आप पढ़ चुके एग्जीक्यूटिव में. सरचार्ज सबको पता है, 1 से 10 करोड़ है तो 7%, 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%. देन यहाँ पे इनकम 40% है, इनकम टैक्स. सरचार्ज 1 से 10 करोड़ 2%, एंड 10 करोड़ के ऊपर 5% है, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से. क्या है प्लस 4%, क्या है यहाँ पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से. आगे नाउ लायबिलिटी ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये आपने ये भी पढ़ा एग्जीक्यूटिव में, ये यहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ. हम सबको इतना तो याद है कि डोमेस्टिक कंपनी को DDT भरना है, फॉरेन कंपनी को DDT नहीं भरना है, इसलिए वो अपने हाथ में टैक्सेबल है. तो ये दिया है, तो उनको DDT भरना है एट 15% प्लस सरचार्ज ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड, एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ई, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2018 का, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. इस पर टैक्स 30% है. तो अगर आपने, अगर आपको याद आ रहा है, मैं अभी एक बेसिक रिविजन ले रहा हूँ. डीम डिविडेंड में आपने 5 क्लॉज पढ़े थे, क्लॉज ABCDE सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, उसमें 5 क्लॉज थे. बिफोर अमेंडमेंट क्या था, ABCDE पे कंपनी टैक्स देती थी, ई पे अपन टैक्स देते थे. अभी अमेंडमेंट होके वो ई पे भी कौन टैक्स देगा, कंपनी. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ DDT 30%. सो नॉर्मल डिविडेंड प्लस डीम डिविडेंड के 4 क्लॉज ABCDE, उसमें कौन सा टैक्स आएगा, नॉर्मल टैक्स आएगा, मतलब 15%. एंड जो क्लॉज ई वाला है वो भी कंपनी के हाथ में आएगा, अभी अमेंडमेंट के बाद 30% आएगा. एंड फॉरेन कंपनी के लिए DDT एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो अपने इनकम में ऐड होता है. नाउ देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बाय द शोल्डर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज फुल्ली एग्जेम्ड अंडर सेक्शन 1034, क्योंकि कंपनी डिविडेंड टैक्स भर रही है, इसलिए हमारे हाथ में एग्जेम्ड है. लेकिन इस पर कभी रिस्ट्रिक्शन आ गया, हम सब ने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, अभी और एक बार मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. 115BBD है, जिसमें 1,00,000 का रिस्ट्रिक्शन है, तो अभी 1,00,000 तक ही एग्जेम्ड है. 1,00,000 के ऊपर मिला तो अपने को टैक्स देना है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी. एंड ये तो अपने हाथ में फुल्ली टैक्सेबल ही है, तो इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है. बस इतना पढ़ के रखो, तो ये 2-3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है, बस इतना पहला पढ़ो. आगे ना, ये भी एक रिविजन ही ले रहा हूँ मैं, रेजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्शन 5. चलो अभी दो तरह के इनकम होते हैं, सबको पता है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, एंड जिसका टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स होता है ऑन रेजिस्ट्रेशन स्टेटस. चलो सेक्शन 6(3), अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, एंड अगर इंडियन कंपनी रेसिडेंट बनती है तो क्या होगा, उनका इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम, दोनों इंडिया में टैक्सेबल होगा. अ फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50 करोड़, मतलब फॉरेन कंपनी है जिनका इंडिया में, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उनका कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए. एंड जिस फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ये मोर है और ये लेस है, तो उसको हमेशा नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा. क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा. सो ध्यान में रखना दो चीज़ें, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट,
फॉरेन कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है वो हमेशा नॉन रेसिडेंट ही रहेगा। तो पहला तीसरा काफ़ी सिंपल है। सेकेंड पॉइंट में आपको दिमाग लगाना है कि जो फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है अगर उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, कहाँ पे? इंडिया में है, तो ही उनको रेसिडेंट माना जाएगा, नहीं तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, एंड उससे क्या होगा सर, दिया है मैंने, अगर रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, तो अगर रेसिडेंट है तो फिर इंडियन हो या फॉरेन दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, एंड अगर नॉन रेसिडेंट है तो खाली इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा अपना रिविजन ही चल रहा है एग्जीक्यूटिव का जो आपने पढ़ा है, क्योंकि फाइनल के बहुत सारे चैप्टर मतलब एग्जीक्यूटिव से लिए गए, बहुत सारा सिलेबस सेम ही है, बट अप्रोच अलग है, वो दिखने के लिए सेम ही है। नाउ दीज आर द इनकम टैक्स रेट्स, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2019 का, इसलिए मैंने लिखा है AY 2021। देखो पहले ये पढ़ते हैं, इन जनरल कंपनी के लिए रेट 30% है, सरचार अगर आपका इनकम 1 करोड़ या 10 करोड़ के बीच में है तो 7% है, ये आपको पता ही है, 10 करोड़ के ऊपर है तो 12%, ये भी आपको पता है, सेस 4% है, ये भी आपको पता है। सो नया क्या है सर, ये नया है, दिस इज द अमेंडमेंट। देखो क्या हुआ है, इफ द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग 17-18 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो फिर आपको 25% ही टैक्स देना है। एंड पहले आपने ये पढ़ा था, तो अगर 16-17 में आपका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे कम है तो आपके पास ऑप्शन है, आप 25% से टैक्स दे सकते हो। एंड ये लिमिट बढ़ा के 17-18 वालों को 400 करोड़ कर दिया, मतलब और ज़्यादा कंपनीज को गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए। मोदी गवर्नमेंट का गारंटी था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम कॉरपोरेट टैक्स रेट कम करेंगे, तो ये उसी का कमिटमेंट पूरे करने के लिए उन्होंने किया है। तो अभी बहुत सारे कंपनी इस लिमिट में आ गए, बट ये 25% जब आप क्लेम करते हो तो यू विल हैव टू सैक्रिफाइस वेरियस बेनिफिट्स, तो आप रेट पे मत जाइए। तो मैं आगे अगेन ये भी प्रोविजन डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, एंड उस समय मैं आपको बताऊँगा कि 25% बेटर है या 30%। अभी आपको ऐसा लगेगा सर 25% एनी टाइम बेटर है, नहीं बेटर है, यू हैव टू सैक्रिफाइस वेरियस बेनिफिट्स अंडर PGPP, तो फिर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कैसे करना है मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊँगा। बस अभी ध्यान में रखना कि रेट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, जो टर्नओवर का लिमिट 250 करोड़ था वो अभी कितना हो गया, 400 करोड़ के अंदर भी अगर आपका टर्नओवर है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन। और अगर ये ऑप्शन है, आप 30 में जाना है तो 30 में जा सकते हैं, 25 में जाना तो 25 में जा सकते हैं, बट एक बार गए तो वो फाइनल रहेगा, बाद में चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसमें क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे। नाउ दीज आर द स्पेशल रेट ऑफ टैक्स रेट फॉर कंपनीज, ये भी आपने पढ़ा है, याद करो 111A कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स म्यूचुअल फंड जो जिसपे STD पे हुआ है लिस्टेड, ऑन विच STD हैज बीन चार्ज 15% टैक्स रेट है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% या 10% दो होते हैं। सो कब होगा 20%? देखो नॉर्मली 20% होगा, 2010 कब होगा? देखो आपको अगर आपको याद आ रहा है तो लिस्टेड शेयर्स है, आई रिपीट लिस्टेड शेयर्स है, ट्रांसफर करते समय STD पे नहीं हुआ है, ट्रांसफर करते समय STD पे नहीं हुआ है, मैंने डायरेक्टली मेरे डीमैट अकाउंट से आपके डीमैट में ट्रांसफर कर दिया है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम करना चाहता हूँ तो फिर 20% टैक्स दूंगा, एंड इफ आई डोंट वांट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन देन 10% टैक्स दूंगा, तो वो ऑप्शन है। देन 112A, ये लास्ट ईयर का अमेंडमेंट है कि पहले जो लॉन्ग टर्म गेन था वो एग्जेम्ट था क्योंकि उस पर STD पे होता था, बट फाइनेंस एक्ट 2018 में आपने पढ़ा ही है, वो अमेंडमेंट हुआ है कि अगर आप शेयर्स म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं अभी STD भी पे होगा तो भी 1038 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपका इनकम 1 लाख के ऊपर होगा, तो 1 लाख तक एग्जेम्ट है, उसके ऊपर के इनकम पे 10% टैक्स है। सो दिस इज़ वेरी बैड अमेंडमेंट, जो पहले एग्जेम्ट था अभी वो टैक्सेबल हो गया है। कैजुअल इनकम लॉटरी वगैरह
30%, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है. व्हाट इज अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट? आपके घर पे कुछ अनअकाउंटेड पैसा मिल गया, यू आर नॉट एबल टू ऑफर एनी जस्टिफिकेशन. आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने बैलेंस शीट में नहीं दिखाई है. आपके अकाउंट में कुछ पैसा जमा हो रहा है जिसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन अमाउंट. जो आपके पास दिख तो रहा है बट वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, उस पर 60% टैक्स है. एंड डिविडेंड का जो मैंने कहा था 115 BBT, अभी जो पढ़ा था कि 10 लाख के ऊपर मिला तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा. सो दीज आर द प्रोविजन्स, सो दीज आर द टैक्स रेट्स. अगेन ये पढ़ के रखना है, यहाँ तक अपने जो पढ़ा उसमें से एक ही मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, एंड दूसरा रेजिडेंट स्टेटस. चलो नाउ यहाँ से अपन जा रहे हैं मेन टॉपिक में. यहाँ तक अपन ने ऑलमोस्ट सब चीज़ एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, बस मैंने एक रिविजन लिया कि ताकि आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए. अब यहाँ से पूरा नया कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. ये भी आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है बट वो थ्योरी बेसिस पे पढ़ा है, टेक्निकल लेवल पे नहीं पढ़ा है जो अपन आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पहले होता है क्या जरा देखना. यह है कंपनी. अच्छा, कंपनी मतलब एनी कंपनी, डोमेस्टिक हो या फॉरेन, जितने भी अपन ने पढ़े ना सभी कंपनी के लिए है. ये कंपनी इनकम अर्न करेगी, ठीक है, इस इनकम पे अपन टैक्स देंगे. टैक्स रेट जो अपन ने अभी पढ़े थे नॉर्मल 30% है, फिर स्पेशल कैटेगरी है तो फिर 15% 20% जो भी है इस पर टैक्स आएगा. तो ये टैक्स के लिए दो रेट रहेंगे, नॉर्मल रेट प्लस स्पेशल रेट्स. ठीक है, तो ये तो अपन कर रहे हैं, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपने PGP पढ़ा है, PGP में बहुत सारे बेनिफिट्स कंपनी को दिए जाते हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्च है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं. 35AD में आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जिससे SEC को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इनकम टैक्स में. इन दैट केस आपका टैक्स पेबल एकदम मिनिमम आता है, या कभी कभी जीरो आता है, कभी कभी निगेटिव भी आता है, मतलब पेबल आता ही नहीं है. तो उस केस में देश का नुकसान होता है क्योंकि गवर्नमेंट नीड्स मनी. इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो अगर इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट को देश चलाना मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, कुछ लोग जेन्युइनली करते हैं, कुछ लोग इंटेंशनली लॉस दिखाते हैं, सालों साल से वो लॉस दिखा रही है बाय क्लेमिंग सम एग्जम्पशन और बाय सम डूइंग सम मैनिपुलेशन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस दे आर शोइंग लॉसेस. एक्चुअल सिचुएशन मे नॉट बी लाइक दैट बट ऑन पेपर दे आर शोइंग लॉसेस. तो गवर्नमेंट इसको क्रॉस चेक करना चाहती है कि ये जेन्युइन बेसिस पे हो रहा है या कोई इंटेंशनली कर रहा है. इसलिए गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट लाया, नया मतलब पूरा नहीं है. उन्होंने कहा कि हम आपका बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. मैं बताता हूं क्या है, नॉर्मल इनकम नहीं करेंगे, बुक प्रॉफिट निकालेंगे, इस पर हम निकालेंगे टैक्स. ठीक है, एंड फिर इन दोनों में से जो हायर रहेगा ना वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे. ऐसा गवर्नमेंट ने फंडा लाया. सो टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, सब पढ़ाने वाला, चिंता मत करो, पेशेंस रखो, बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है. तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स आएगा वो, या फिर नॉर्मल इनकम्स जो अभी तक अपन ने एग्जीक्यूटिव पढ़ा है उसके हिसाब से जो टैक्स आएगा, विच एवर इज हायर, ये आपको देना पड़ेगा. और उस टैक्स को बोलते हैं MAT, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो आपके नोट्स में लिखा है MAT, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. सो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम और टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर. अभी पहले समझते हैं लॉजिक से ये गवर्नमेंट ने क्यों लिया. दो रीजंस, इनकम टैक्स में काफ़ी सारे एग्जम्पशंस हैं जिसकी वजह से नॉर्मल टैक्स पेबल बहुत कम हो जाता है, बट गवर्नमेंट नीड्स मनी बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर ही मैक्सिमम टैक्स देता है, वो हजारों करोड़ में टैक्स देता है, अपन इतना टैक्स थोड़ी देते हैं.
तो उनको पैसे तो चाहिए देश चलाने के लिए. एंड दूसरा, कुछ लोग जेन्युइनली मतलब इंटेंशनली इवेजन करते हैं एंड दे शो लेस इनकम फॉर मैनिपुलेशन पर्पज, तो उनको भी पकड़ना है. इसलिए कंपनी क्या करती है, अलग तरह से आपका प्रॉफिट निकालती है जिसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट, एंड फिर दोनों पे टैक्स निकालती है. सो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट द रेट विच वी हैव स्टडीड एंड टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विच एवर इज हायर गवर्नमेंट को पे करना है. अभी आप बोलेंगे फ़र्क क्या सर, दोनों इनकम ही है. ये जो इनकम है ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आता है, ये बुक प्रॉफिट कंपनी एक्ट के हिसाब से आता है. किसके हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से उसका पूरा फॉर्मेट बनाया गया है. सो ये दो अलग अलग इनकम हम कंपेयर कर रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर एक ही रहेगा, एसएससी एक ही रहेगा, डेटा एक ही रहेगा, प्रॉफिट निकालने के तरीके अलग है. इसलिए उसका नाम दिया ना अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट, ये नहीं तो वो. मतलब इसमें लॉस भी हो गया एंड अगर बुक प्रॉफिट पॉजिटिव दिख रहा है तो आपको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, विच एवर इज हायर. तो यहाँ पे जीरो आ रहा है तो फिर बुक प्रॉफिट को आपको इनकम मानना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डीम इनकम, डीम टू बी इनकम, एंड उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. तो ये करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का ऑप्शन नहीं है. कुछ चोरों को रोकने के लिए एंड देश चलाने के लिए भी पैसे चाहिए अपने को, तो इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया कि मिनिमम इतना भरो. लेकिन आप बोलेंगे सर मेरे साथ इससे इसमें तो अपने साथ गलत हो रहा है. सही बोल रहे हैं आप, कैसे गलत हो रहा है सर? यहाँ पे मेरा टैक्स 2 लाख आ रहा है नॉर्मल के हिसाब से एंड यहाँ पे 3 लाख आ रहा है. तो अभी आप बोल रहे कि विच इज हायर पे करना है. यस, मतलब मैं 3 लाख भरूंगा लेकिन मेरा एक्चुअल टैक्स तो 2 लाख है, तो वो तो मैं देने को रेडी हूँ, फिर मैं 3 लाख क्यों भरूँ? कल गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी लेके आएगा, बोलेगा 10 लाख टैक्स भरो क्योंकि हमको पैसे की ज़रूरत है. हम पागल थोड़ी है सब भरने के लिए. चिंता करो, आपका नुकसान नहीं होगा. ये जो आपने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपये भरा है ना, इसको बोलते हैं मैट क्रेडिट, और इसका आपको अगले 15 साल में क्रेडिट मिलेगा. जैसे आपने सेटअप का चैप्टर पढ़ा था ना, वैसे आपको 15 साल दिए सेटअप करने के लिए. पहले 10 था, बीच में 2 साल पहले अमेंडमेंट होके वो 15 साल हो गया है. तो ये जो आपने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए दिया ना, इसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा. खाली टाइमिंग गवर्नमेंट को आपको एक्स्ट्रा देना है. वो एडजस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सब पढ़ाने वाला. पेशेंस रखो आप, जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा ना, आपको एब्सोल्युटली मैं हर एक चीज़ बता दूंगा, आप चिंता मत करो. बट चैप्टर बिल्ड करने को टाइम लगता है, सो थोड़ा पेशेंस रखो, सब बता दूंगा. आई नो यू विल हैव मेनी क्वेश्चंस, आप नोट डाउन करके रखो. लेक्चर के एंड में सब आप लेक्चर मतलब चैप्टर के एंड में आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद भी कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, डोंट वरी. तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, विच एवर इज हायर आपको देना है. आप चाहे तो लिख लो, मैं 1 मिनट रुकता हूँ एंड फिर अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. लिख लो फटाफट. हो गया, चलो अभी पढ़ते लॉजिक. देखो क्या दे मैंने यहाँ पे, लॉजिक बिहाइंड मैट. ये मैट क्यों लाया गया, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया. देखो, इट वॉज ऑब्जर्व बाय लॉ मार्केट, लॉ मेकर्स चाहिए, दैट मेनी कंपनीज आर शोइंग ह्यूज प्रॉफिट्स इन P&L एज पर द AGM ऑफ द शेयर होल्डर. मतलब कंपनी एक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं क्योंकि शेयर होल्डर को दिखाना है ना, ताकि शेयर होल्डर पैसा विड्रॉ ना करे, कंपनी सब ऑन पेपर अच्छा देखे. एंड डिस्ट्रीब्यूट ह्यूज डिविडेंड, तो अकाउंटिंग में ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे और डिविडेंड भी दे रहे, मतलब शेयर होल्डर खुश हो गए. एट द सेम टाइम दिस कंपनीज आर नॉट डिक्लेयरिंग एनी इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स में तो प्रोविजंस अलग है ना, तो इनकम टैक्स के हिसाब से जब इनकम आता है तो वो देते नहीं है. सिंस देयर टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स वेयर नील, क्योंकि इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है एडिशनल डिप्रिसिएशन है, साइंटिफिक रिसर्च में 100% मिलता है, कहीं पे 150% मिलता है, ऐसे अकाउंटिंग में आप क्लेम नहीं कर सकते. सो नेचुरली इनकम टैक्स में देर आर वेरियस ऑप्शन लीगली टू मिनिमाइज योर इनकम. इससे आपका या तो इनकम नहीं लाता है या फिर आप टैक्स नहीं देते हैं. दिस वेरिएंस इन प्रॉफिट एज कंप्यूटर एज पर कंपनी एक्ट एंड द प्रॉफिट कंप्यूटर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर 2 एक्ट. जो मैंने अभी आपको कहा कि इनकम टैक्स में आपको मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%, 35% प्लस वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है जो अकाउंट्स में नहीं मिलता है. द कंपनी इज प्रोवाइडेड लेसर डेप्रिसिएशन अंडर द कंपनी एक्ट. हाँ, मतलब कंपनी एक्ट में वो भी कम दिखाते हैं
At the same time, while computing the total income under income tax, the depreciation was claimed as per income tax and taxable income were as nil. तो मतलब उन्होंने कुछ reasons दिए हैं कि depreciation की वजह से आपका income tax में profit कम होता है. वहाँ पे तो रहता है profit, but income tax में जिस amount पे tax देना है वो तो as per income tax ही है. इसलिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, क्योंकि तुमको प्रॉफिट तो हो ही रहा है, खाली इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजन की वजह से यू आर नॉट पेइंग टैक्स बिकॉज योर इनकम इज बेयर मिनिमम ड्यू टू दोज एग्जम्पशंस, डिडक्शन, व्हाट यू कॉल इट. बट गवर्नमेंट ने कहा मतलब रियल सेंस में तुमको फायदा तो हो रहा है ना, तो हमको टैक्स दो तुम. इसलिए कॉन्सेप्ट लाया गया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट खुश नहीं थी आपका फायदा हुआ तो, इसलिए लाया गया. सो देखो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स सेक्शन 115JB, सेक्शन रटना है 115JB. देखो वेयर इन केस ऑफ कंपनी इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम एज कंप्यूटर अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज लेस देन 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट, देन सच बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी. मतलब क्या, देखो वही जो मैंने कहा था कि इस पर जो टैक्स रेट होगा वो 18.5% होगा. सो नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकालो 30% या स्पेशल रेट जो भी है. बुक प्रॉफिट पूरा 18.5% से निकालो एंड जो हायर है वो देना है. तो अगर मैट के वजह से हायर है तो बुक प्रॉफिट को ही डीम टू बी इनकम मानना है एंड बुक प्रॉफिट के हिसाब से तुमको टैक्स भरना है. तो आपको एग्जाम में जितने मैंने क्वेश्चन देखे सीएस प्रोफेशनल के, नॉर्मल इनकम दिया जाता है, आपने को खाली बुक प्रॉफिट निकालना है. दोनों पे एक पे 30% एक पे 18.5%, जो हायर है वो गवर्नमेंट को भर देना है एंड जो एक्स्ट्रा भरेगा उसको आपको क्रेडिट मिलेगा, मैट क्रेडिट, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. सो दीज आर द मैट रेट्स. तो अभी आपके पास कैल्सियम होना बहुत जरूरी है. देखो इन केस ऑफ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के लिए रेट मैंने आपको पढ़ा दिया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने को पढ़ना है. सॉरी इफेक्टिव रेट ऑफ मैट. अभी 18.5% जो है वो रेट ऑफ टैक्स है, इसमें भी दोनों ऐड होगा, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो मैंने वो टेबल दिया एकदम सिंपल, आप करके देखो प्लीज. देखो दो कंपनी है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, एंड ये है बुक प्रॉफिट. देखो अगर डोमेस्टिक, अभी मैट के हिसाब से कितना आएगा, 18.5% तो टैक्स ही है. बुक प्रॉफिट डू नॉट एक्सीड 1 करोड़, मतलब इसमें सरचार्ज तो नहीं आएगा, तो खाली मैंने 4% ऐड किया. करो ऐड 18.5% प्लस 4%, चलो करो ऐड 18.5%. मैं भी करता हूँ, आप भी करो, चेक करो 18.5 प्लस, सो ये 19.24 आ रहा है, सेम रहेगा. सो मैट का रेट दोनों के लिए सेम ही है. मैं क्या बताना चाहता हूँ, नॉर्मल इनकम टैक्स रेट डोमेस्टिक के लिए 30 है और फॉरेन के लिए 40 है. सरचार्ज दोनों के लिए अलग अलग है लेकिन मैट का रेट सेम है. हाँ लेकिन सरचार्ज भी बदलेंगे, फॉरेन कंपनी के लिए 2 and 5, डोमेस्टिक के लिए 7 and 12. चलो नाउ इनकम एक्सीड 1 करोड़ बट डू नॉट एक्सीड 10 करोड़, तो यहाँ पे सरचार्ज 7 से आएगा और यहाँ पे सरचार्ज कितने से आएगा, 2% से आएगा. तो देखो जरा कैलकुलेट करके, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना आएगा, करो 18.5 प्लस कितना आएगा 7% प्लस 4%. तो ये कैसे किया मैंने, ठीक है. एंड फॉरेन कंपनी के लिए देखो कितना आएगा, 18.5 प्लस 2% प्लस 4%, ये शायद गलत हुआ है, ये आएगा 18.5008, ठीक है. एक बार क्रॉस चेक करो 18.5 प्लस 2% प्लस 4%. अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है,
18.5 प्लस 2% प्लस 4% 19.624 दिस इज द रेट. तो 18.5 प्लस सरचार्ज 2%. हाँ, तो यहाँ पे पहले कॉलम में सरचार्ज 7 से है, यहाँ पे 2 से आएगा. सो एक बार और एक बार करो, 18.5 प्लस 2% प्लस 4% 19.62 आ गया. एंड 10 करोड़ के ऊपर है तो यहाँ पे कितना आएगा, 12, और यहाँ पे 5. देखो करके 18.5 प्लस, पहले डोमेस्टिक कंपनी के लिए ऐड करो 12%, 12% प्लस 4% 21.5448. एंड यहाँ पे 18.5 प्लस 5% प्लस 5% प्लस 4%. सो दीज आर द इफेक्टिव रेट्स. सो क्या लर्निंग पॉइंट है, मैट का रेट है वो बेसिक जो रेट है, 18.5 वो दोनों के लिए सेम ही है. सरचार्ज एज इट इज जो पहले थे वही है, ठीक है. ओके, नाउ द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मैट, मैट का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ये मैंने स्टेप्स दिए, ये आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. नो, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. क्या ये जो मैंने कहा था कि ये जो मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूँ 115JB में, इट इज़ एज पर कंपनी एक्ट होगा. क्या होगा, हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स में तो आप कम दिखा रहे हैं ना, लॉस दिखा रहे या कम दिखा रहे, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से हम आपका प्रॉफिट निकालेंगे और उसका 18.5% होगा. सी दोस्तों, इसलिए तो फर्क आ रहा है, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से दो बार भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा. सो एक बार प्रॉफिट में इनकम टैक्स के हिसाब से निकालूंगा, उस पर 30% वगैरह आएगा, एक बार मैं कंपनी एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट निकालूंगा विथ फ्यू चेंजेस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस पर 18.5 आएगा एंड विच एवर इज हायर. तो वही दिया है, एवरी एसोसिएशन शैल प्रिपेयर इज पी एंड एल अकाउंट फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट थ्रू ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. मतलब कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनल अकाउंट बनाओ, सबको बताइए. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सी इनके लिए ऑलरेडी अलग से फॉर्मेट है, टू प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट एज पर गवर्निंग एक्ट. तो बैंकिंग के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, इंश्योरेंस के लिए, तो इन तीनों के लिए अलग तरह का बैलेंस शीट बनता है. तो उन्होंने बोला कि आप वो फॉलो करो, कोई अड़चन नहीं है, कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन नीचे दिया है, हाउएवर सच कंपनी हैव बीन गिवन एन ऑप्शन टू प्रिपेयर इट्स पी एंड एल अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर ऑन और बिफोर 1/4/12 आइदर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट टू और एंड पार्ट थ्री ऑफ शेड्यूल 6. हाँ, मतलब ऑप्शन कब तक है, 2012 तक ही है, उसके बाद आपको उसको अलाइन करना ही पड़ेगा एज पर शेड्यूल 3. तो ये दिया है जनरल कि ये जो पी एंड एल अकाउंट आप बनाओगे ये शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो बुक प्रॉफिट पढ़ने जा रहे हैं वट इज़ एज पर दैट, किसके हिसाब से, एज पर पी एंड एल अकाउंट एज पर कंपनी एक्ट ही है, ठीक है. चलो नाउ अभी आगे पढ़ते हैं. नाउ अभी यहाँ से आ रहा है इम्पोर्टेंट सेक्शन, यहाँ से पूरा न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो. यहाँ तक का मेरे हिसाब से अदर देन मैट आप सब कुछ पहले पढ़ चुके हो, इवन मैट भी एग्जीक्यूटिव में था बट थ्योरी लेवल पे था. तो इसके पहले मैंने जो भी पढ़ा है, आई डोंट थिंक मैंने कुछ आपको नया पढ़ा है, दिस इज टोटल रिविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव. यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, और एक बार बताता हूँ कि एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, एंड दूसरा 2 मार्क का नोट आ सकता है, राइट नोट ऑन रेजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ कंपनी. तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से करो, बाकी सब एक बार पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि वो सब जानकारी आपको ऑलरेडी है, टैक्स रेट आपको पता है, सब कुछ आपको पता है. चलो नाउ, नाउ हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट, दोस्तों लिखो ये 5 मार्क्स के लिए आता है, इट्स अ 5-स्टार प्रोविजन, लिखो ब्रैकेट में MG, MG का मतलब क्या है, मिल गए, मत लिखो मजाक कर रहा हूँ. तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज़ का लॉजिक बताने वाला हूँ, बट इसके लिए थोड़ा आपको अकाउंट स्ट्रांग होना ज़रूरी है. जिनका अकाउंट्स वीक रहेगा उनको थोड़े लॉजिक समझ में दिक्कत होगी, बिकॉज ये पूरा बनता है कंपनी एक्ट के हिसाब से. सो या फिर काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स में आपको लेजर अकाउंट बना के ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ,
तो अगर आपका वो अकाउंट वो पार्ट डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, या आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा दिक्कत जा सकता है। अदरवाइज जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनको मैं पूरा सिस्टमेटिक समझा दूंगा। चलो देखो क्या लिखा है। तो ये जो मैं आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो करना है। ये फॉर्मेट फॉलो करने का तो आपको मिलेगा बुक प्रॉफिट, उसका 18.5%, नॉर्मल इनकम तो दिया जाएगा उसका 30%, एंड उसमें से जो हायर रहेगा आपको उस पर क्या करना है, टैक्स देना है। चलो देखो क्या दिया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, बुक प्रॉफिट मीन्स अ नेट प्रॉफिट एज शोन इन पी एंड एल अकाउंट फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज पर द सबसेक्शन 2 अबव एज इंक्रीज्ड बाय। अच्छा सुनो, मैं आपको बता दूं क्या है। एग्जाम में आपको पी एंड एल अकाउंट दिया जाएगा, ध्यान से सुनना। उस पर जो रहेगा ना नेट प्रॉफिट, वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और उसमें ये जो टेबल दिया है इसमें 12-13 आइटम थे, उसको ऐड करना है। कब? इफ इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, इफ इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पे जो 12 चीज़ें थी उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। एंड नीचे अगेन 10-12 चीज़ें थी उसको लेस करना है, एंड फिर आएगा बुक प्रॉफिट। लेकिन ध्यान में रखिए, ये ऐड कब होगा, अगर ऊपर का प्रॉफिट माइनस करके आया है तो, करेक्ट ना? हाँ, तो ये ऐड कब होगा बताओ। हाँ, ये नेट प्रॉफिट में से पी एंड एल में अगर ये लिखा है तो ऐड करना है, नहीं लिखा है तो अगेन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो बी केयरफुल, फॉर्मेट रटना नहीं है। यस, यू हैव टू रिमेंबर इट, बट विथ लॉजिक लर्न करो। मैं बोल रहा हूँ ऐड करो, बट ऐड कब होगा, इफ डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अगेन आई रिपीट, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप ऐड कब करोगे, इफ इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अगर पी एंड एल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब बराबर हुआ है, तो उसको अगेन ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर लेस, अगर ऑलरेडी लेस हो चुका है तो अगेन लेस करने की जरूरत नहीं है। लेस नहीं हुआ है तो फिर लेस करना है। सो बी केयरफुल। तो एग्जाम में आपको आएगा ऐसा, शाम को एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में आपको वर्डिंग्स आएंगे, दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। मतलब ये एडलेस हो चुका है, उसको ये करना है फिर। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि बिफोर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, तो फिर एडलेस नहीं करना है, जो रिक्वायर्ड वही करना है, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेस भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो लगता है उतना ही करना है। ऐसे मैंने क्वेश्चंस कवर किए, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो देखो ऐड क्या क्या करना है। पहला, इनकम टैक्स और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, इसको ऐड करना है। ये आपने पीजीपी पे भी पढ़ा था सेक्शन 40 कि इनकम टैक्स इज डिसअलाउड, तो उसका प्रोविजन भी क्या होगा, डिसअलाउ होगा। क्यों सर इनकम टैक्स डिसअलाउड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि ये पर्सनल नेचर है, ये तुम्हारा खुद का प्रॉफिट है जो तुम बिजनेस से बाहर लेके जाने वाले हो, और इसका यूज़ तुम्हारे खुद के लिए होने वाला है, इसका यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होने वाला है। सो दिस इज सम ऑफ दे थिंग इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसलिए अलाउ नहीं किया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर पी एंड एल में डेबिट हुआ है तो उसको ऐड नहीं करना है। क्यों सर? लॉजिक है। यस, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड सर्विस बिजनेस का है, इसलिए उस खर्चे को बिजनेस का माना जाता है, इसलिए वो रिकॉर्ड करना नेसेसरी है। उसका और एक रीजन है, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा, इतना ध्यान में रखना कि वो बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, अभी और एक रीजन आपको बताता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्यों अलाउड है। सी, काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोगों का अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मैंने यहां पे परचेस रिकॉर्ड किया 100, जिसमें जीएसटी मेरा 8 रुपया, एग्जाम्पल 8 तो रेट नहीं, मैं 5 लेता चलो। एंड यहाँ पे सेल लिखा है मैंने 120, जीएसटी 24 रुपया है, तो 144 आएगा। ठीक है, अब ये जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है 24 रुपया, और मैंने दिया है 5 रुपया, सो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो 24 में से 5 जो है पे करूँगा, ऑलरेडी मैंने पे किया है, तो मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा, 19 रुपीज। ये दिखता है पी एंड एल को, 2 GST 19 रुपीज इसका डिफरेंस।
तो ये अलाउड है क्योंकि ये 19 नहीं दिखा तो ये मेरे इनकम में ऐड होगा और ये मेरा इनकम है नहीं क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को पे कर चुका है. आप सब जीएसटी पढ़ चुके हो एग्जीक्यूटिव में. सो आउटपुट जीएसटी 24 माइनस इनपुट जीएसटी टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट. तो आई नीड टू पे 19 रुपीज. तो अगर आपने उसको इनकम दिखाया ऊपर तो नीचे खर्चा दिखाना पड़ेगा. मतलब ऊपर आपने परचेस में भी 5 ऐड किया है और सेल में भी 24 ऐड किया तो दिखाना पड़ेगा. अगर ऊपर नहीं दिखाया तो फिर नीचे भी नहीं आएगा. लॉजिकल है ना. ऊपर नहीं दिखाया तो फिर नीचे भी नहीं आएगा. तो इट डिपेंड्स. तो दो तरह के लोग अलग अलग तरह से अकाउंटिंग करते हैं. फिर दूसरी जगह पे कहाँ पे दिखाना है सर? उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाया जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के कॉलम में. सो या तो इस तरह से अकाउंटिंग करेंगे तो दिखाना पड़ेगा. फिर दूसरे तरह से करोगे तो भी पेड वाला तो दिखाना ही पड़ेगा. तो जो पेड है वो तो दिखाना ही पड़ेगा. उसको कहाँ पे दिखाओगे तुम? पर्सनल एक्सपेंस थोड़ी हो बिजनेस का है. तो जीएसटी आप दिखा सकते, कोई अड़चन नहीं है. तो अगर जीएसटी पीएनएल में डेबिट हुआ है तो रखने दो, कुछ अड़चन नहीं, एडबैक नहीं करना है. सेम एसटीटी पेड शैल नॉट बी एडेड. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको भी एडबैक नहीं करना है, वो रहने दो. अभी पीजीपीपी में एसटीटी अलाउड है इसलिए यहाँ पे भी अलाउड किया है. लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो तो, मतलब अगर आपको याद है हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि एसटीटी दो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक जो इन्वेस्टर है एंड एक ब्रोकर है. ब्रोकर क्या करता है? शेयर्स लेके रखता है एंड बाद में इन्वेस्टर को बेचता है. तो उसके लिए शेयर स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसको एसटीटी का खर्चा दिखाना अलाउड है. लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, आप सबने पढ़ा है कैपिटल गेन में देखो एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे एसटीटी पीएनएल में डेबिट हुआ है उसको एडबैक करने की जरूरत नहीं है. बुक प्रॉफिट में एसटीटी अलाउड है. देन इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट पेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो भी एडबैक करना है. लेकिन उसका पेनल्टी एडबैक मत करो. इंटरेस्ट एडबैक करो, पेनल्टी एडबैक मत करो. हाँ, इनकम टैक्स में पेनल्टी भी ऐड होता है लेकिन यहाँ पे एडबैक नहीं करना है. तो इनकम टैक्स में जब अपन करते हैं तो अपन इनकम टैक्स भी एडबैक करते हैं, इंटरेस्ट भी एडबैक करते हैं, पेनल्टी भी एडबैक करते हैं. जब मैं बुक प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट्स करूँगा एंड अगर ऑलरेडी ये दो चीज़ें माइनस हुई है तो मैं दो ही चीज़ें ऐड करूँगा, इनकम टैक्स को ऐड करूँगा और उसका इंटरेस्ट को मैं ऐड करूँगा. देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी का मतलब है कॉरपोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको भी मैं ऐडबैक करूँगा अगर डेबिट हुआ है तो. देन अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, उसको भी मैं ऐडबैक कर लूँगा, अलाउड नहीं है. अच्छा, यहाँ पे दिया कि रिजर्व मैंडेटरी भी रहेगा. जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी है, तो किसी लॉ में आपको रिजर्व क्रिएट करना मैंडेटरी भी रहेगा. आपने उसके हिसाब से ही रिजर्व क्रिएट किया है तो भी बुक प्रॉफिट के लिए वो एडबैक होगा, कोई इसका उपाय नहीं है. नेक्स्ट, प्रोविजन मेड टू मीट अनएसर्टेन लायबिलिटी शैल बी एडेड बैक. नाउ व्हाट इज अनएसर्टेन लायबिलिटी? सुनो, नाउ लेट्स से आपको क्या एग्जांपल दो. आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, यू हैव ज्वाइन पर्टिकुलर कंपनी. कंपनी को लगता है कि आप 10-20 साल उनके साथ काम करोगे क्योंकि आप अच्छे एम्प्लॉय हो. अभी आप सबने सैलरी में पढ़ा है कि अगर मैं 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम करता हूँ एंड जब मैं बाद में रिटायर होऊंगा तो कंपनी को मेरे को ग्रेचुटी देना पड़ेगा. तो वो ग्रेचुटी के लिए कंपनी इस साल हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनएसर्टेन लायबिलिटी. अनएसर्टेन का मतलब कॉन्टिंजेंट नहीं. अनएसर्टेन का मतलब लायबिलिटी पता है, विपुल शाह को कितना ग्रेचुटी देना पड़ेगा ये कन्फर्म है, अमाउंट कन्फर्म नहीं है. सो लायबिलिटी इज कन्फर्म, हेंस इट्स नॉट ए कॉन्टिंजेंट. लायबिलिटी कन्फर्म है लेकिन क्वांटम पता नहीं है. तो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी तो देना ही पड़ेगा 15 साल के बाद, बट कितना देना है अभी पता नहीं है. सो मैं टाइमिंग उसका प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ. मैं टाइमिंग क्या कर रहा हूँ उसका प्रोविजन, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है. बट देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी शैल बी एडेड बैक इफ इट इज अनसर्टेन. हाउएवर इफ इट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन देन नीड नॉट बी एडेड बैक. तो एग्जाम में दिया जाएगा कि ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, अगर ऐसा आता है तो एडबैक नहीं करना है, एडबैक नहीं करना है. लेकिन अगर ये वर्ड नहीं आता है तो एडबैक करना है. एक्चुअल कौन होते हैं? जो आपको एग्जैक्टली अमाउंट बताते हैं कि आपको एम्प्लॉय को इतना ग्रेचुटी देना पड़ेगा. सो इट्स नाउ नॉट अनअसर्टेन लायबिलिटी, इट्स एन असर्टेन लायबिलिटी.
तो अगर ग्रेचुटी का अमाउंट एक्चुअल ने कैलकुलेशन करके दिया है, वो अगर अपने पीएनएल में डेबिट किया तो अलाउड है, लेकिन अगर वो उसके हिसाब से डेबिट नहीं हुआ है, ऐसे डेबिट हुआ है, तो अलाउड नहीं है, आपको उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, सो अनअसेट एंड लायबिलिटी है, ऐड बैक करो, एसेट है, ऐड बैक मत करो। दोनों का मतलब कॉन्टिंजेंट नहीं, अनअसेट का मतलब है लायबिलिटी कन्फर्म है, क्वांटम पता नहीं है, अमाउंट पता नहीं है, कितना देना है वो पता नहीं है। नेक्स्ट, जैसे आप देते हैं ना मोबाइल रिपेयर करने के लिए, बोलता है मैं खर्चा कितना आएगा देख के बताता हूँ, मतलब अमाउंट देना कन्फर्म है बट कितना देना पता नहीं है, अनअसर्टेन लायबिलिटी। नेक्स्ट, द अमाउंट बाय वे ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, अगर अपने सब्सिडियरी कंपनी के लॉस एब्जॉर्ब करने के लिए कोई अगर प्रोविजन किया है, ओके, एंड या फिर कोई एक्चुअल लॉस भी हुआ है तो भी अलाउ नहीं होगा। देखो दिया है, द टर्म अमाउंट बाय वे प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इवन इंक्लूड एक्चुअल लॉस, मतलब आपके सब्सिडियरी कंपनी को लॉस हुआ है और अपना होल्डिंग सब्सिडियरी है तो उनके लॉसेस आपने रिकॉर्ड किए, नहीं चलेगा, फिर वो प्रोविजन हो तो भी एडबैक होगा, एक्चुअल लॉस है तो भी क्या होगा, एडबैक होगा। देन अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज टू बी डिविडेंड, लिखो यहाँ पे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है अगर वो पीएनएल में डेबिट हुआ है तो वो भी एडबैक होगा, या उसका प्रपोज डिविडेंड है तो भी ऐड होगा, डिविडेंड टैक्स जो ऊपर पड़ा था वो भी ऐड होगा, मतलब डिविडेंड का सब कुछ ऐड होगा, इक्विटी का डिविडेंड ऐड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड होगा, उस पर जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया है वो भी क्या होगा, ऐड होगा। तो ये सात चीजें अपन ने पढ़ ली। आगे, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एनी इनकम टू विच सेक्शन 10 अप्लाई, सेक्शन 10 क्या है, इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम्स एग्जेम फ्रॉम टैक्स। तो अपन ने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में चैप्टर 3 एग्री इनकम वगैरह, तो एग्री इनकम में देखो नॉर्मल इनकम पे टैक्स नहीं आएगा, एग्री इनकम वगैरह एग्जेम्प्ट है ना, एंड जो इनकम बाकी भी एग्जेम्प्ट है वो भी एग्जेम्प्ट है, मतलब जो चैप्टर 3 में अपन ने पढ़े थे ना इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स। तो देखो क्या लिखा है, लॉजिकल है, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू एनी इनकम टू विच सेक्शन 10 अप्लाई, मतलब अगर आपका इनकम एग्जेम्प्ट है सो नेचुरली आप उस पर टैक्स नहीं दोगे, इनकम एग्जेम्प्ट तो हम टैक्स क्यों देंगे, लेकिन अगर आपके वो पीएनएल में इंक्लूड है तो यहाँ पे उसका खर्चा ऐड बैक करो और नीचे उसका इनकम भी माइनस होगा, तो यही पॉइंट नीचे आएगा, लॉजिक वही है कि अगर कोई आपके इसमें एग्री इनकम है तो उसका खर्चा है जो आपने पीएनएल में डेबिट किया है यहाँ पे ऐड बैक करो, चलता नहीं है, एंड वो इनकम भी माइनस करो क्योंकि एग्री इनकम पे टैक्स आता ही नहीं ना, तो इसको नहीं हटाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो मैट में वो टैक्सल हो जाएगा, तो उसको दोनों जगह पे एग्जेम्पशन दिया है, तो ना तो नॉर्मल अकाउंट्स में आएगा ना यहाँ पे भी आएगा, मतलब ना बुक प्रॉफिट में आएगा और नॉन नॉर्मल इनकम टैक्स में आएगा। तो अगर कोई आपका एग्जेम्प्ट इनकम है जिसका आपने खर्चा बुक किया है तो वो खर्चा आप पहले ऐड बैक करो एंड उसका इनकम भी नीचे माइनस करो। नाउ लिखा है अदर देन 1038, मतलब क्या है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके लिए खर्चा अगर हुआ है तो ऐड बैक नहीं करना है, मतलब मैट इज पेबल ऑन लॉन्ग टर्म गेन ऑल्सो, जहाँ पे इनकम मैट इज पेबल ऑन लॉन्ग टर्म गेन ऑल्सो तो उसको ऐड करना है कंपलसरी, इसको एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, बाकी सभी इनकम हटा दो बोले, नीचे इनकम हटा दो ऊपर एक्सपेंस ऐड बैक कर दो, लेकिन 1038 का एग्जेम्पशन बना रहेगा, मतलब 1038 में मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे लेकिन बाकी जितने भी इनकम एग्जेम्प्ट है, क्या उल्टा है, 1038 पे अप्लाई नहीं होगा, सोचो क्या होगा, अदर देन 1038 अप्लाई ऐड करने को बोला है, मतलब क्या है, हाँ मतलब बाकी इनकम पे मैट अप्लाई नहीं होगा लेकिन 1038 पे मैट अप्लाई होगा क्योंकि वो इनकम में ही रहेगा, कहाँ पर रहेगा, वो इनकम में रहेगा। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 अंडर नॉर्मल प्रोविजन शैल बी एडेड बैक, मतलब क्या बताऊं, हाँ लॉन्ग टर्म गेन जो है उस पर आपको मैट लगता है, तो अगर आपने इनकम में कंसिडर नहीं किया इनकम टैक्स में, क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे आप ऐड करके लो और उसके खर्चे भी माइनस करो,
तो नाउ लॉन्ग टर्म गेन इवन दो एग्जेम्प्टेड 1038 में वो यहाँ पे ऐड होगा, अगर नहीं ऐड किया तो नीचे इनकम में यहाँ पे ऐड कर दो, उसके खर्चे भी क्लेम कर सकते हैं, वो उनका कहना है। एंड इवन 1000AACZ ये भी आपने पढ़ा है, उसको भी ऐड बैक करना है, उसके लिए भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये दोनों इनकम देखा जाए तो रिस्पेक्टिव प्रोविजन में एग्जम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे मैट में उसको ऐड करना है, उस पर मैट के प्रोविजन अप्लाई होंगे। लेकिन एग्री इनकम वगैरह है तो उसको नीचे इनकम से माइनस कर दो और यहाँ पे खर्चों से भी ऐड बैक करके ये कर दो। नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 क्या, मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। अच्छा पॉइंट नंबर 9, मैं 9 और 12 दोनों एक साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, 9 और 12 मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी पढ़ो मत समझेंगे नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, सुनिए। ठीक है, ये अपना बैलेंस शीट है। लेट से यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख, एड रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख। ठीक है, तो आपने पहले रिजर्व क्रिएट किया है रिवैल्यूएशन का, तो उसका जर्नल एंट्री होता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख। ठीक है, आगे ना, और फिर आप इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ 20%, 3 लाख, यहाँ पे आ गया 12 लाख। अभी जब मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन, मैं 2 लिखता हूँ जस्ट फॉर आपकी जानकारी के लिए, नॉर्मल एंड ऑन रिवैल्यूएशन पोर्शन। सो नॉर्मल 12 लाख है, 12 लाख का मैंने यहाँ पे 20% एज्यूम किया है, 12 लाख का 20% 2.4 लाख एंड ये 60,000 ऐसे दिखेगा, मतलब दिखेगा 3 लाख ही, मैंने आपको ब्रेकअप करके दिखाया है। तो यहाँ तक पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग समझा गया कि पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया है, अगर आपने किया है तो क्या एंट्री होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3 लाख, तो यहाँ पे एसेट पैड होगा और यहाँ पे रिजर्व क्रिएट हो गया। फिर अपने पूरे अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो 15 लाख पे 20%, 3 लाख क्लेम किया तो डेबिट पे आ गया 2.4 नॉर्मल का जो 12 लाख का है एंड 3 लाख का 11,500। अभी अगर ऐसे अलाउ किया ना तो ऐसे से कुछ भी रिवैल्यूएशन करेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन करना अपने हाथ में, उसका कोई लॉ नहीं कितना करना है, वो अपने को डिसाइड करना है कि कितना एसेट का वैल्यू, रिवैल्यू करना मतलब प्राइस बढ़ाना, कम भी हो सकता है बट नॉर्मली लोग बढ़ाते हैं। तो अगर ये बढ़ाएंगे तो आपको नोशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन का एरिया है 2 लाख, 3 लाख और इसका ये है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो 3 लाख पे अपन जब क्लेम कर रहे हैं, मतलब 15 लाख पे, तो 3 लाख का यहाँ पे भी आ रहा है। अभी गवर्नमेंट का कहना क्या, सुनो, ये जो आपने 3 लाख का वैल्यू बढ़ाया ना, ये नोशनल बढ़ाया है, एक्चुअली आपने किसी को पैसा नहीं दिया है, तो ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे फॉर बुक प्रॉफिट, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन तुम कुछ भी क्रिएट करोगे सो दैट यू कैन क्लेम मोर डिडक्शन एंड आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए बोला कि अलाउ नहीं होगा। एंड लॉजिक लगाओ, अगर मैं उसको P&L से हटा दूंगा 60,000, देखो एक्सपेंस में से 60,000 हटा दिया तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए उसको ऐड बैक किया है। मैं बताता हूं, तो ये वहां पे लिखा है कि रिवैल्यूएशन का अगर डेप्रिसिएशन क्लेम किया आपने, क्या होगा इसको, हाँ कहां पे गया, हाँ तो ये जो रिवैल्यूएशन पार्ट है कितना है 3 लाख, उसका डेप्रिसिएशन अपने को ऐड बैक करना है।
क्योंकि वो आपने खुद क्रिएट किया, आप कुछ भी रिवेलेशन करोगे सो दैट यू कैन मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी, तो गलत हो सकता है ना। इसलिए बोला कि हम आपको 12 लाख पे अलाउ करेंगे क्योंकि वो आपने एक्चुअली पे किया है बाहर वाले को, उसमें गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं, रिवेल्यूशन में तकलीफ है। तो आप चाहे तो लिख के रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अभी जब सुनिए, मैं आपको 4 एडजस्टमेंट एक साथ पढ़ा रहा हूँ, 2 ऐड के और 2 लेस के। अभी और एक एडजस्टमेंट क्या बोलता है, लेट्स से आपने एसेट बेच दिया, कौन सा, जो 12 लाख का एसेट है, देखो अभी आपने एसेट 11.2 लाख को बेच दिया, वो प्रॉफिट लॉस क्या होगा मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या एंट्री होगा मैं बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट 11.2 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 80,000, टू प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा गलत हो गया है, ये होगा एसेट का एंट्री। एसेट सोल्ड फॉर 11.2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 10.4, पीएनएल 0.80, प्लांट एंड मशीनरी 11.2, ठीक है। मेरे को इससे इंटरेस्ट नहीं है। अभी देखो गवर्नमेंट का क्या कहना है, जिस साल तुम एसेट बेच दोगे या डिस्कार्ड कर दोगे, डिस्कार्ड मतलब उसका यूज नहीं हो रहा है उस साल, ये रिजर्व की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिजर्व का वैल्यू कब तक है, जब तक वो एसेट है, जिस दिन एसेट खत्म रिजर्व की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे केस में ये रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। अगर आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहेगा डिबेंचर रिडेम्पशन, तो जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है एट द एंड जो बचता है आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो अकाउंटिंग एंट्री तो ऐसे ही होगा, अकाउंटिंग एंट्री होगा रिवेल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 3 लाख, ठीक है। मतलब ये यहाँ से 3 लाख शिफ्ट होके कहाँ पे जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। ऐसे अकाउंटिंग होता है, पहले रिवेल्यूशन एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूशन, दूसरा एसेट बेचने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया इसलिए पीएनएल को डेबिट, टू प्लांट एंड मशीनरी 11.2, एंड तीसरा जब एसेट आप डिस्कार्ड कर दोगे, सेल कर दोगे, तो फिर उस रिजर्व की जरूरत नहीं है। फिर वो रिजर्व कहां पे ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट कहना है कि नहीं, ये रिजर्व तुम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे, तुम उसको यहां पे लेके आओगे। यस उसको बिजनेस इनकम माना जाएगा, तो यहाँ पे तुमको लेके आना है। बाय रिवेल्यूशन रिजर्व 3 लाख, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है, उसको तुमको उस समय इनकम मानना पड़ेगा क्योंकि तुम उस एसेट को बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें इश्यू अराइज हो रहा है, अगर ये मैं 3 लाख पीएनएल में लेके आ रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। जरा लॉजिक लगाओ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो 3 लाख है और ये जो डेप्रिसिएशन 3 लाख है, दिस डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑन 3 लाख, क्योंकि 3 लाख वैल्यू में ऐड है, और ये 3 लाख का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ रहा है 5,500, और प्लस आप 3 लाख भी यहाँ पे लेके आ रहे हो, मतलब 5,500 दो बार इनकम में ऐड हो रहा है। कैसे सर, आपने बोला ना कि डेप्रिसिएशन ऑन रिवेल्यूशन इनकम में ऐड बैक करना है, तो 5,500 भी इनकम में ऐड हो रहा है, और 3 लाख तो भी उसको भी आपने बोला इनकम मानो, तो वो भी 3 लाख इनकम में ऐड हो रहा है। तो एक साथ दो चीज़ें ऐड हो रही है, मतलब मेरा रिजर्व क्रिएट हुआ है 3 लाख का, लेकिन इनकम में ऐड हो रहा है 3,60,000। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पर डबल टैक्स हो रहा है कि नहीं, तो इसमें से जो छोटा अमाउंट है 5,500 डबल टैक्स हो रहा है,
उसको माइनस करना है. उसको क्या करना है? माइनस. ये माइनस पे दिया है. ऐसे चार एडजस्टमेंट आपको मैंने डेप्रिसिएशन के एक साथ पढ़ा दिए. पहला एडजस्टमेंट क्या करना है? अगर रिवैल्यूएशन पोर्शन पे डेप्रिसिएशन है तो उसको ऐड बैक करो. दूसरा, अगर एग्जाम में देते हैं कि एसेट इस साल डिस्कार्ड हुआ है, बेच दिया है, तो जितना भी रिजर्व है उसको पीएनएल क्रेडिट में लेके आओ. अगर ऑलरेडी ला के रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ला के रखा तो इनकम में ऐड करना पड़ेगा. पर अगर ये ऐड करेंगे तो एक अमाउंट दो बार हो जाएगा, एक बार डेप्रिसिएशन में और एक बार रिजर्व में. तो उसमें से जो छोटा अमाउंट है उसको और एक बार माइनस कर दो ताकि डबल टैक्सेशन ना हो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60,000 को माइनस करेंगे, क्योंकि 3 लाख में 60,000 ऑलरेडी इंक्लूड है. ये 60,000 हमने 3 लाख पे ही कैलकुलेट किया था. तो ये 60,000 जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ 3 लाख, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड ओवर देयर. तो उसको अपने को ऐड बैक करना है. उसको अपने को क्या करना है, मतलब 3 लाख को ऑलरेडी ऐड हुआ है ना, तो इसमें से जो छोटा है उसको माइनस करना है. तो 60,000 अगेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 3 लाख ऐड होगा, 60,000 माइनस होगा. ऐसे चार एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिए है. तो आप ये लिख लो एंड फिर मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है ना. आई विल वेट फॉर 1 मिनट, राइट इट डाउन क्विकली. ये लॉजिक पूरा बताया, थोड़ा भी ये अकाउंटिंग बेस्ड लॉजिक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं लेजर अकाउंट बना के आपको समझाऊंगा ताकि ईजी लगेगा. ठीक है, चलो हो गया. ओके, अभी देखो जरा, चार एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दो. देखो पहले क्या बोला है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऐड करो. ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ पे बोला कि तुम फुल डिप्रिसिएशन ऐड करो. फुल मतलब इसके हिसाब से 3 लाख फुल सर. लेकिन ओनली रिवैल्यूएशन ऐड बैक करना है, बताता हूँ. तो 0.9 में क्या लिखा है, पूरा. यहाँ पे कितना है पूरा डिप्रिसिएशन, 3 लाख. तो पहले बोल रहा है 3 लाख ऐड करो और नीचे 240,000 माइनस करो जो अलाउड है. मतलब ऑटोमेटिक 60,000 इनकम में ऐड हो जाएगा, इसलिए वो दो बार दिख रहा है. अपन एग्जाम में दो बार नहीं करेंगे, वो फॉर्मेट में दो बार है, अपन डायरेक्टली एक ही बार ऐड बैक कर देंगे. सो दो मेथड है 60,000 को दिखाने के. ऊपर 3 लाख ऐड करो, नीचे 240 माइनस करो, ऑटोमेटिक 60,000 ऐड हो जाएगा. या फिर ऊपर एक ही बार लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन पार्ट 60,000, खत्म. कैसे भी करो, हाँ ओवरऑल टोटल बदलेगा बट आंसर नहीं बदलेगा. आंसर तो वही रहेगा, आंसर तो वही का वही रहेगा. इज दिस क्लियर? तो ये पहला है. तो ये जो नीचे 9, देखो 9 में ऐड हुआ है ना, मैं आपको नीचे दिखा दूँ कहाँ पे. देखो ये लेस में है. कौन सा लेस करना है, अदर देन रिवैल्यूएशन. तो ऊपर पॉइंट नंबर 9 में 3 लाख ऐड करो एंड पॉइंट नंबर 3 में 2.4 माइनस करो. सो 3 लाख ऐड होगा, 2.4 माइनस होगा, ऑटोमेटिक 60,000 ऐड होगा. या फिर ये दोनों नहीं करना है तो आप ऊपर डायरेक्टली 60,000 लिख दो. तो या तो दो अलग अलग करो या एक करो. यहाँ तक समझा? अभी देखो ऊपर और एक दिया डेप्रिसिएशन. पॉइंट नंबर 13 देखो क्या है, मैं बीच में के दो पॉइंट पढ़ने वाला हूँ. अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू रिवैल्यूड एसेट विच हैज बीन रिटायर्ड डिस्पोज इफ सेम इज नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट. जो मैंने कहा था कि ये जो रिजर्व में 3 लाख बैलेंस दिख रहा है, अगर आपने एसेट डिस्कार्ड किया, सेल कर दिया, मतलब इस रिजर्व की अभी जरूरत नहीं है, तो ये 3 लाख को पीएनएल क्रेडिट में लेके आना है. अगर आप ऑलरेडी लेके आए हो तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं लेके आए हो तो वहाँ पे बोला ऐड करो. तो ये 13 लाख वही है, 3 लाख, पॉइंट नंबर 13. अब यहाँ पे मैंने 3 लाख ऑलरेडी इनकम में ऐड करके रखा है तो आगे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया 3 लाख पीएनएल में, तो आप मतलब जो आपको प्रॉफिट दिया वो निकालने के लिए 3 लाख कंसिडर नहीं किया, तो अपन उसको ऐड बैक करेंगे. अपन उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे. तो ये 3 लाख वो है, ठीक है. सो 9 बता दिया मैंने, 12 बता दिया. अभी देखो 10 क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफर्ड टैक्स एंड उसका प्रोविजन. तो डिफर्ड टैक्स अगर है या उसका प्रोविजन है, ऐड बैक करो. इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, प्लीज़ रट के ध्यान रखना. हाँ, इस पर डिस्कशन करूँगा. प्रोविजन मेड फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट. नो वॉट इज डिमिनिशन, तेरा ध्यान से सुनना. लेट से मेरे पास ये फ़ोन है, एज्यूम करो ये एप्पल का फ़ोन है, इसमें इसकी वैल्यू 1 लाख रुपया है. एज्यूम करो इनकम टैक्स में इस फ़ोन के लिए डेप्रिसिएशन 15% है, तो मैं 1 लाख का फ़ोन का डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा 15%, बराबर है. एंड बैलेंस शीट में दिखेगा 85,000 एंड 15,000 पीएनएल डेबिट में आएगा. डन, अकाउंटिंग डन. अभी प्रैक्टिकल इशू क्या हो रहा है,
अगर आप ये मोबाइल मार्केट में जाके एक साल के बाद बेचते हो ना, तो आपको 85,000 नहीं मिलेगा, आपको 50,000 ही मिलता है। हाँ, इनकम टैक्स में रेट 15% है, बट मोबाइल ड्यू टू टेक्नोलॉजी लूजेज इट्स वैल्यू लाइक एनीथिंग, इट्स वेरी फास्ट, उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो मार्केट वैल्यू 50,000 है, लेकिन ऑन पेपर दिख रहा है 85,000, मतलब देखा जाए तो 35,000 से वैल्यू अभी भी कम है। तो ये लॉस एब्जॉर्व करने के लिए अपन ने एक प्रोविजन बनाया, देखो प्रोविजन मेड फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये जो जब बेचेंगे तो लॉस और बढ़ने वाला है, तो उसको एब्जॉर्व करने के लिए अपन ने एक प्रोविजन बना के रखा है, उसको बोलते हैं डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इफ इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, करेक्ट ना। तो ये अलाउड नहीं है, 30 अकाउंट्स में अलाउड है, तो ये बुक प्रॉफिट में अलाउड नहीं है, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग में अलाउड है, तो इसको ऐड बैक करना है। 35,000 का क्या करना है, ऐड बैक, क्योंकि कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिमिनिशन। व्हाट इज डिमिनिशन, डिफरेंस बिटवीन WDV ऑफ द एसेट एंड मार्केट वैल्यू। तो जो डिफरेंस है उसका अपन प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो अलाउड नहीं है, उसको भी ऐड बैक करो। सो 9 हो गया, 10, 11, 12 हो गया। नाउ आगे के जो 4-5 पॉइंट है उसका सेम लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अच्छा अभी देखो क्या है, थोड़ा अपन रिविजन करते हैं। आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था असेसमेंट ऑफ AOP BOI, असेसमेंट ऑफ AOP BOI में ये पढ़ा था कि अगर AOP BOI 30% या 40% से टैक्स देता है, 30% या 40% से टैक्स देता है, तो मेंबर को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनकम टैक्स में लिखा है। तो अज्यूम करो कोई कंपनी है जो AOP BOI में मेंबर है, तो AOP BOI को इनकम मिला, उन्होंने टैक्स भर दिया, ठीक है। देखो क्या होता है, यह है AOP BOI, ठीक है, इसका मेंबर है। अभी मेंबर कंपनी मतलब ये AOP होगा, बिकॉज BOI कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये मेंबर है, ठीक है। नाउ अभी देखो क्या होगा, तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उनका मेंबर है, ठीक है, कंपनी। अभी AOP BOI को इनकम मिलेगा, इस इनकम पे वो टैक्स देंगे, एंड फिर जो बैलेंस है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेंबर के बीच में, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था, ये एग्जेम्प्ट है, कब, अगर यहाँ पे टैक्स, तो अगर AOP ने 30-40% से टैक्स दिया है तो मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट, ऐसा इनकम टैक्स में लिखा है, मेंबर में कंपनी भी इंक्लूड है। तो ये इनकम टैक्स में लिखा था, लेकिन ये बुक प्रॉफिट में नहीं लिखा था, तो बुक प्रॉफिट में इनकम निकलते समय वो ऐड बैक हो जाता था, और उस पर 18.5% लगता था, मतलब डबल टैक्स हो रहा था। AOP के हाथ में 30% प्लस बुक प्रॉफिट की वजह से उसमें वो ऐड होता था, तो उस पर 18.5% टैक्स लगता था, मतलब एक इनकम पे डबल टैक्स हो रहा था, इसलिए अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया है। तो ये मैंने आपको लॉजिक बताया कि जिस अमाउंट पे AOP BOI टैक्स भरता है 30-40% से, वो मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो उसमें कंपनी रहेगा तो कंपनी के लिए भी एग्जेम्प्ट है, बट ये इनकम टैक्स में लिखा है, बट ये बुक प्रॉफिट में नहीं लिखा गया था, इसलिए बुक प्रॉफिट में से अगर ऐसा कुछ इनकम आता है तो वो नीचे माइनस होगा, और उसके जो खर्चे वो ऐड होंगे, तो वहाँ पे जो आपको फॉर्मेट में है वो ऐड वाला है, इनकम नीचे दिया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेयर इन AOP BOI, शेयर इन AOP BOI जो P&L में क्रेडिट हुआ है, तो उसको अपने को हटाना पड़ेगा, एंड जब आप इनकम हटाएंगे लेस में से, तो उसके खर्चे भी ऐड बैक होंगे, उसके खर्चे भी क्या होंगे, ऐड बैक। जब इनकम कंसिडर नहीं होगा तो इनकम कम होगा, जब एक्सपेंस कंसिडर नहीं होंगे तो इनकम बढ़ेगा, तो ये दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। तो वही दिया है, तो उसका लॉजिक है, आप चाहे तो उसको लिख कर रखना, फिर मैं पढ़ता हूँ, लिख लो चाहे तो। सेम लाइन पे आगे के 5-6 प्रोविजन काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दोस्तों ये डिसअलाउड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे खर्चा ऐड होगा, और नीचे माइनस क्या होगा,
AOPBR से कंपनी को मिलने वाला इनकम, क्यों? क्योंकि डबल टैक्स हो रहा था. रिलेटेबल टू इनकम बिंग शेयर ऑफ द एसएससी इन इनकम ऑफ AOPBY ऑन विच नो इनकम टैक्स पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ 86. तो वही है कि इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन उस पर टैक्स नहीं देना है क्योंकि AOPBY ने ज़्यादा टैक्स दे दिया है, लेकिन ये बुक प्रॉफिट में नहीं लिखा गया था, तो 2016-17 में अमेंड करके चेंज कर दिया. तो यहाँ पे खर्चा ऐड होगा. तो नीचे देखो, ये तो यहाँ पे इनकम माइनस होगा, जिस इनकम पे AOPBY ने 30% टैक्स दिया है. तो यहाँ पे इनकम माइनस करेंगे और ऊपर उसके खर्चे क्या करेंगे, अपन ऐड बैक करेंगे. आगे सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजेक्शन टैक्स इन सिक्योरिटीज एक्यूरिंग अराइजिंग टू एसएससी बीइंग अ FII. मैं लॉजिक बताता हूँ, पहले पढ़ लेता हूँ. सेम लॉजिक सुनिए. तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो FIIs थे जिन्होंने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया था, सुनो, उनको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोला था कि आप इंडिया में आओ, हम आपको इन्वेस्ट करो, हम आपको टैक्स रेट कम कर देंगे. तो ये जो FIIs है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको इनकम टैक्स रेट जो है कैपिटल गेन पे वो 10% है नॉर्मल इनकम निकालते समय, लेकिन बुक प्रॉफिट में तो उसको ऐड किया गया था पहले से ही, तो उस पर उनको बुक प्रॉफिट पे 18.5% लग रहा था. क्योंकि इंडिया में क्या है, किसी का भी असेसमेंट दो तरह से होता है, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एंड टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, विच इज हायर. तो FIIs के लिए जो टैक्स था ऑन दिस काइंड ऑफ सेल, कौन सा सेल हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है ना, तो उस पर टैक्स रेट कम था, 18.5% से कम था. तो इनकम टैक्स में तो कम लगता था, लेकिन मैट में ज़्यादा लगता था, तो अगेन इन इक्वालिटी थी, इसलिए उसको बुक मैट में से भी हटा दिया. तो नीचे उसका इनकम माइनस होगा और यहाँ पे उसके खर्चे क्या होंगे, ऐड बैक होंगे. तो FIIs का इनकम नीचे माइनस करो क्योंकि उनके लिए टैक्स रेट कम लगता है, बट यहाँ पे 18.5% लग रहा है, तो नीचे इनकम माइनस होगा और वहाँ पे उसके खर्चे ऐड बैक होंगे. सेम लॉजिक, ये भी रॉयल्टी इनकम है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं 115BBF. सेम लॉजिक, इसका इनकम टैक्स रेट में 10% है, इसलिए एंड वहाँ बुक प्रॉफिट में 18.5% है, तो गलत हो रहा है. तो बुक प्रॉफिट में से नीचे से हटा दो और उसके खर्चे ऐड बैक कर दो ताकि डबल टैक्सेशन ना हो, हायर रेट ना लगे. सेम लॉजिक, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है जिनका रेट इस इनकम का इंडिया में 18.5% से कम है, तो अगेन इसको यहाँ से हटाना है, नहीं तो ज़्यादा रेट लगेगा. तो आखिरी के जो 4-5 है, हम उनको इंडिया में क्यों बुला रहे हो, हम आपसे कब टैक्स लेंगे, 10% है उससे कम, लेकिन एक्चुअली जब टैक्स दे रहे हो वो 18.5% से दे रहे. तो ये तीनों इनकम को नीचे एंड में माइनस किया है और उसके खर्चे भी क्या किए, ऐड बैक किए. तो दोस्तों ये है अपना फॉर्मेट ऐड का. तो ये सब फॉर्मेट आपको लर्न करना है और ये सब चीज़ें ऐड होंगी. तो एक बार रिवाइज करते क्या क्या ऐड करना है. पहला इनकम टैक्स ऐड करो, उसका प्रोविजन ऐड करो, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी ऐड करो. इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड नहीं करना है, एस्टेट को ऐड नहीं करना है. तीसरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐड करो, इक्विटी डिविडेंड ऐड करो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी क्या करो, ऐड करो. फोर्थ, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या करो, ऐड करो. प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, व्हाट इज अनसर्टेन लायबिलिटी, नोन है, अमाउंट नहीं पता कितना देना है, तो उसका भी प्रोविजन ऐड बैक होगा. देन सब्सिडियरी कंपनी का जो लॉस है वो भी क्या होगा, ऐड बैक होगा. देन पॉइंट नंबर 8, सेक्शन 10 में जो भी इनकम एग्जेम्प्ट है अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 1038, उसके इनकम नीचे से माइनस करो क्योंकि वो वहाँ पे भी एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट कर दिया है, नहीं तो टैक्स ना लगे यहाँ पे. तो अगर वो इनकम नीचे से माइनस हो रहा है तो उसके खर्चे भी यहाँ से क्या होंगे, माइनस होंगे, एक्सेप्ट 1038, मतलब लॉन्ग टर्म पे अभी भी मैट लगता है, लॉन्ग टर्म पे अभी भी मैट लगता है, इवन 10AA जो SEZ है उस पर भी मैट लगता है. तो अगर एग्जाम में आता है इनकम ऑफ SEZ 10AA, क्योंकि 10AA का इनकम इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है बट यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं हुआ है, तो उस पर बुक प्रॉफिट पे मैट पे तो आएगा ही, नॉर्मल इसमें नहीं आएगा बट यहाँ पे आएगा. देन डेप्रिसिएशन, मैंने 4 एडजस्टमेंट बताया. पहला पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, पूरा डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो एंड माइनस कौन सा करो, अदर देन रिवैल्यूएशन. तो इससे क्या होगा,
जो रिवैल्यूएशन वाला है वो ऑटोमेटिक ऐड बैक होगा, या फिर आप डायरेक्टली रिवैल्यूएशन वाला ऐड करो। पॉइंट नंबर 10, डिफर टैक्स के प्रोविजन ऐड कर दो। पॉइंट नंबर 11, डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट। व्हाट इज डिमिनिशन? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क है, तो उसका हमने जो रिजर्व क्रिएट किया है वो अलाउड नहीं, उसको भी ऐड बैक करना है। देन पॉइंट 12, मैंने आपको बताया था कि जब आप एसेट यूज करना बंद कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, बेच दोगे, उस साल की बात कर रहा हूँ, इन बिटवीन नहीं, तब तक वो रिजर्व में रहेगा। जिस दिन एसेट गायब हो जाएगा उस दिन रिजर्व की भी जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग में हम रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स बोले कि नहीं, उस रिजर्व को हम इनकम मानेंगे। तो अगर ऑलरेडी वो पीएनएल में है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको अपने पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया तो उसको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जब वो ऐड होगा तो मैंने लॉजिक बताया कि उसी साल अगर जो डेप्रिसिएशन है वो दो बार डिसअलाउ हो रहा है, दो बार ऐड बैक हो रहा है, 60,000 जो है वो अगेन ऐड हो रहा है, मतलब रिजर्व क्रिएट किया 3 लाख का, 3 लाख तो ऐड हो ही रहा है, प्लस उसका डेप्रिसिएशन भी 60,000 ऐड हो रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है ना, अनजस्टिस, मतलब गलत हो रहा है कि 3 लाख का रिजर्व क्रिएट किया और इनकम में 360 ऐड हो रहा है, तो इसमें से जो छोटा है उसको आगे नीचे माइनस करना है। तो 3 लाख को ऐड करो, 60,000 को ऐड करो, और इसमें से जो छोटा है उसको आगे नीचे माइनस कर दो। तो ऐसे डेप्रिसिएशन के 4 एडजस्टमेंट्स होंगे आगे। एंड 13, 14, 15, 16 का लॉजिक एक ही है कि उसका रेगुलर इनकम टैक्स रेट कम है और मैट में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, इसलिए मैट में से उसको हटाना है, तो नीचे उसके एक्सपेंस माइनस, नीचे उसका इनकम माइनस होगा, वहाँ पे उसके खर्चे ऐड बैक होंगे। चारों का 13, 14, 15, 16 का लॉजिक एक ही है कि नॉर्मल रेट जो है इनकम टैक्स में वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो रहा है, तो नीचे उसको इनकम में से हटा दो और फिर उसके खर्चे भी इनकम में ऐड बैक कर लो, क्योंकि जब इनकम कंसिडर नहीं होगा तो उसके खर्चे अगर अपने रिकॉर्ड के तो वो भी ऐड बैक होगा। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 16 चीजें हैं ये ऐड कब करना है, इफ दीज आर डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, तो आपका जो नेट प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें इसको ऐड बैक कब करेंगे अपन, अगर वो पीएनएल में डेबिट हुआ है तो, अगर पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है तो इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करना है फिर। नाउ लेस आइटम क्या, अभी एकदम सिंपल है, जो ऐड था उसका ही लेस है। देखो ना, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व लेस करना है, क्यों सर? लॉजिक है, देखो लॉजिक ये है, लेट से आपने प्रीवियस ईयर 17-18 में पीएनएल अकाउंट बनाया, यहां पे आपने रिजर्व क्रिएट किया था 16, एंड लेट से आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है 40 एग्जाम्पल। अभी जब हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे 17-18 का, नेट प्रॉफिट तो 40 रहेगा। हमने पढ़ा था कि एनी रिजर्व इज नॉट अलाउड, तो हम रिजर्व को ऐड करेंगे और आपका प्रॉफिट 100 रुपये हो जाएगा। ऊपर पढ़ा ना अपन ने, एनी रिजर्व इज टू बी एडेड बैक, तो ये रिजर्व को हमने ऐड किया। अभी इशू क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 1920 में, इस साल ये रिजर्व ट्रांसफर किया पीएनएल अकाउंट को बाय अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, जब रिजर्व रिक्वायर्ड नहीं है, रिजर्व में से हमने पैसा विड्रॉ किया है, तो जब रिजर्व क्रिएट करते तो पीएनएल डेबिट, उससे जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो पीएनएल क्रिएट, तो यहाँ पे ये दिख रहा है 60 रुपया एंड नेट प्रॉफिट आ रहा है 220। अभी आईसीसी का क्या कहना है, ये जो 60 रुपया है इस साल जो, ये दो बार ऐड हो रहा है, जब मैंने क्रिएट किया था तब भी आपने इनकम में ऐड किया है एंड अभी भी 220 में ऐड है, तो इस साल बुक प्रॉफिट निकालते समय 220 में से 60 को माइनस किया जाएगा और आंसर आएगा 160, क्योंकि जब देखो पहले जब रिजर्व क्रिएट किया था तो हमने उस समय ऐड किया था, मतलब उससे मैंने टैक्स भर दिया है, अभी जब मैं क्रिएट करूँगा तो भी आप इनकम में ऐड करोगे, जब मैं विड्रॉ करूँगा तो भी आप इनकम मानेंगे, तो ये 60 रुपये डबल टैक्स हो रहा है कि नहीं? हाँ, इसलिए ये 60 रुपये को हम इनकम में से माइनस करेंगे, क्योंकि आपने जब रिजर्व क्रिएट किया था ऊपर पॉइंट नंबर 4, तभी हमने इनकम में ऐड किया था,
उसका अगर तुम पैसा विड्रॉ करते हो एंड अगर वो इनकम में और एक बार ऐड हो रहा है तो आपके साथ गलत हो रहा है, इसलिए उसको माइनस किया जाएगा. इज दिस क्लियर? ओके, ये मैंने आपको बता दिया. पॉइंट नंबर 4, रिवैल्यूएशन का कौन सा अमाउंट माइनस होगा? यही देखो, ये 60 रुपए माइनस हुआ मैंने कहा था, वो 0.4 है. क्यों माइनस होगा? क्योंकि 3 लाख में भी 60 इंक्लूड है एंड डेप्रिसिएशन भी 60 अलग से है. तो रिजर्व क्रिएट किया 3 लाख का और इनकम 360 कैसे होगा? तो इसमें से जो छोटा अमाउंट है वो माइनस होगा. देन तो 60 रुपए पे डबल टैक्स होगा क्योंकि 60 इज पार्ट ऑफ 3 लाख, दिस 60 इज पार्ट ऑफ 3 लाख. तो ये 60 को माइनस करना है. तो ये पॉइंट नंबर 4 था. नाउ पॉइंट नंबर 5, द अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विच इज लेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एग्जाम में आपको दोनों दिया जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. यहाँ पे इनकम टैक्स के प्रोविजन अप्लाई नहीं करना है. अकाउंटिंग हिसाब से जो है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस, उसमें से जो छोटा अमाउंट है वो माइनस करना है. इतना इसमें दिया है. देन इतने ध्यान रखो, सीक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट अगर आपने आपके इनकम में ऐड किया तो उसको माइनस करो. अभी 5 और 6 इसका मैं आपको लॉजिक नहीं बताऊंगा, प्लीज रट के ध्यान में रखना, ये कुछ खास काम के नहीं है. डिफर टैक्स, सर डिफर टैक्स दो बार कैसे आ गया? ऊपर वाला डेबिट था तो अगर डिफर टैक्स पीएनएल डेबिट में लिखा है तो ऐड बैक करो, पीएनएल क्रेडिट में लिखा है तो उसको माइनस करो. इनकम टैक्स रिफंड सेम लॉजिक, अरे इनकम टैक्स अगर हमने पे किया है वो तुम डिसअलाउ कर रहे हो, मतलब ये उसी साल के इनकम में ऐड हो चुका है. सिमिलर लॉजिक टू रिजर्व, रिजर्व में वैसे ही था. तो जब ये पैसा मैं विड्रॉ करूँगा तो अगेन इनकम मानेंगे तो डबल टैक्स होगा, क्योंकि जब मैं इनकम टैक्स का प्रोविजन कर रहा हूँ उसी समय आप डिसअलाउ कर रहे हैं, मतलब उस साल का इनकम ऑलरेडी उस अमाउंट से बढ़ गया है, तो उसका जब रिफंड आएगा तो ये मेरा इनकम नहीं माना जाएगा. देखो लॉजिक बताता हूँ, जिस खर्चे को खर्चा नहीं माना जाता उसके रिकवरी को इनकम नहीं माना जाएगा. तो ये माइनस होगा क्योंकि ऊपर इनकम टैक्स पेड इज डिसअलाउड, मतलब उसी साल इनकम बढ़ रहा है, तो जो रिकवर होगा वो माइनस होगा. एंड ये 9-10 वही लॉजिक है, एओपी बीओए का लॉजिक, कि अगर उसका ऊपर खर्चा एडबैक होगा तो नीचे इनकम माइनस होगा, ये सेम ही है. मैंने कहा था ना एफआईआई, उनके लिए टैक्स रेट कम है नॉर्मल इसमें और यहां पे ज्यादा लगता है, तो उनका इनकम यहां से हटा दो क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स लग रहा है, फिर इंडिया में आएंगे नहीं, तकलीफ हो जाएगी. इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कम हो गए थे तो ये बीजेपी गवर्नमेंट को समझा कि बुक प्रॉफिट की वजह से उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है. इनकम टैक्स में रेट तो 10% ही है बट बुक प्रॉफिट में 18.5 है, दैट्स वाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग, इसलिए उनको हटा दिया. तो बुक प्रॉफिट निकालते समय एफआईएस का जो इनकम है यहाँ से हटा दो बिकॉज इट इज़ टैक्स एट अ लो रेट. तो ये यहाँ से हट गया तो ऊपर खर्चा भी एड बैक होगा. सेम लॉजिक यहीं पर है. रॉयल्टी, जिस मैंने ऊपर कहा था ना, जिस रॉयल्टी का टैक्स रेट इनकम टैक्स में 10% है तो यहाँ पे अगेन 18.5 ज़्यादा लग रहा है, तो उस रॉयल्टी इनकम को यहाँ से हटा दो, इनकम कम करना है और उसके खर्चे ऊपर ऐड बैक करो. एंड लास्ट वाला वही है कि फॉरेन कंपनी के लिए कोई भी दूसरा इनकम है जिस पे टैक्स रेट 18.5% से कम है नॉर्मल इनकम टैक्स में, उसको यहाँ से हटा दो तो उसके खर्चे भी ऊपर क्या होंगे, ऐड बैक होंगे. सो दिस इज़ द फॉर्मेट जो आपको लर्न करना है. मैंने काफ़ी सारे आपको लॉजिक्स बताए जितना रिक्वायर्ड है, तो ये लॉजिक्स लर्न करना है ना. जो ऊपर ऐड होगा वो नीचे माइनस भी होता है, तो वो सेम लॉजिक पे, नीचे से इनकम माइनस हो गया तो खर्चा भी अलाउ नहीं होगा, तो जब खर्चा हटाएंगे तो भी प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो उसको ऐड करना है. एंड इनकम हटेगा तो प्रॉफिट कम होगा तो उसको माइनस करना है. चलो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैट क्रेडिट. व्हाट इज मैट क्रेडिट? मैंने आपको कहा था, देखो टैक्स एज पर नॉर्मल इनकम आपने को दो टैक्स निकालना है, एक आपने जो पहले पढ़ा है और नया. तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स 18 लाख आ रहा है एंड बुक प्रॉफिट 22 लाख आ रहा है, ठीक है. तो आपने को पे तो करना है विच एवर इज हायर,
तो आपने को पे करना है 22 लाख, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए वाई 2021 इस साल का है। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरा लायबिलिटी 18 लाख था, लेकिन मैंने दिया 22 लाख, मैंने कितना एक्स्ट्रा दिया 4 लाख, उसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी प्रोविजन लेके आएंगे तो अपन थोड़ी भरेंगे, एंड कॉर्पोरेट टैक्स तो हजारों करोड़ में भरते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो गवर्नमेंट बोला कि हम तुमसे ज़्यादा ले रहे हैं, मान्य है, लेकिन हम इसका आपको क्रेडिट देंगे अगले 15 साल में। उसका क्रेडिट आपको कितने साल में देंगे? अगले 15 साल में। देखो कैसे क्रेडिट दिया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। वो वहाँ पे कंडीशंस दिया है, बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर पढ़ते हैं। देखो क्रेडिट क्लेम करने के लिए पहला कंडीशन है तुम्हारा जो नॉर्मल टैक्स है वो मैट से ज़्यादा होना चाहिए। तुम्हारा नॉर्मल टैक्स मैट से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 19 और ये 18 है, ये उल्टा लिखता हूँ पर्पसफुली, ये 18 लाख और ये 19 लाख है, बोलो तो आपका नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है क्या 19 से? नहीं, नॉर्मल टैक्स अभी भी कम है, तो ये 4 लाख का क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा सर? अगेन पे करो विच इज हायर, 19 लाख पे होगा। अच्छा इस साल भी तुमने एक्स्ट्रा 1 लाख पे किया तो तुम्हारा टोटल मैट क्रेडिट हो गया 5 लाख, 4 लाख लास्ट ईयर का और इस साल का 1 लाख, ओके। तो इसको बोलते हैं मैट क्रेडिट। व्हाट इज मैट क्रेडिट? बुक प्रॉफिट के हिसाब से जो टैक्स है वो आपके नॉर्मल टैक्स से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तो आपको जो हायर है वो पे करना है, ठीक है। अच्छा अभी ये 4 साल के लिए 4 लाख कौन से साल में एक्स्ट्रा है? 2021, उसके आगे 15 साल मिलेंगे एडजस्ट करने के लिए। ये 1 लाख 2021 में आया है, उसके आगे 15 साल, तो जिस साल में मैट क्रेडिट आएगा उसके आगे 15 साल। मैं अमाउंट टोटल में लिख रहा हूँ लेकिन हर एक के लिए अगले 15 साल है, हर एक के लिए, हर एक मैट क्रेडिट के लिए अगले 15 साल में एडजस्ट होगा। अभी देखो एडजस्ट कैसे होगा, पहले बताओ अपन ने कितना एक्स्ट्रा दिया? 5 लाख, ओके। एज्यूम करो 22 तेईस में ऐसा हो गया, ये 20 लाख हो गया और ये 18.5 लाख हो गया, तो बताओ पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। क्या था पहला कंडीशन? नॉर्मल टैक्स जो है 20 लाख, इज दिस ग्रेटर देन 18.5 लाख? यस सर। हाँ तो अभी आप क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हो, बट कितना एडजस्ट करना है? अभी एक बच्चा बोलेगा सर 20 लाख माइनस 5 लाख मैं 15 लाख पे कर दूंगा। आंसर गलत। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब है गवर्नमेंट को 18.5 तो मिलना ही चाहिए, इसलिए तो उसका नाम रखा है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। कुछ भी हो जाए 18.5% टैक्स देना ही है। तो अगर 18.5 देना ही है मतलब 20 के जगह मैं 18.5 दे सकता हूँ, मतलब मेरा एडजस्टमेंट खाली 1.5 लाख का होगा। सर लेकिन मैंने तो 5 लाख एक्स्ट्रा दिया है। यस बट 1.5 लाख का ही होगा। ये तो गलत है सर। यस 1.5 लाख का ही होगा। ऐसे कैसे सर? 1.5 लाख का ही होगा। उन्होंने कहा कि नाम समझो, मिनिमम अल्टरनेट का मतलब कम वॉट में 18.5 से तुम कम नहीं दे सकते हो, तो डिफरेंस 1.5 लाख एडजस्ट हो गया। फिर मेरा क्रेडिट बचेगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 23-24 ये 25 लाख है, अभी 20 लाख है। बोलो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया? हो गया सर। नॉर्मल टैक्स इज ग्रेटर देन बुक प्रॉफिट? यस सर। तो अभी एडजस्ट होगा। हाँ अभी 25 लाख में से कितना माइनस करना है अपने को? 3.5। ज़रा चेक करो 25 में से अगर 3.5 माइनस किया तो आता है 21.5। इज 21.5 ग्रेटर देन 20? यस। फिर पूरा एडजस्ट कर सकते हो। तो एडजस्ट करने के बाद अगर मैट से ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो दो, लेकिन एडजस्ट करने के बाद मैट से कम आ रहा है तो फिर एडजस्टमेंट कम करो। मैट से कम नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैट है 20 लाख, तुम ज़्यादा दे रहे हो ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर के एग्जांपल में अगर तुम 20 में से 5 माइनस करते तो डायरेक्ट 15 लाख हो जाता, विच वुड हैव बीन लेस देन 18.5, जो गलत हो जाता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, हमको मिनिमम 18.5 चाहिए। एडजस्ट करके उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो करो, उससे कम आ रहा है तो फिर एडजस्टमेंट कम करो, एंड फिर यहाँ पे मेरा मैट क्रेडिट 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मैंने करके दिखाया, आप लिख के रखना। सो बोलो मैट क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए दो कंडीशन, पहला आपका नॉर्मल टैक्स बुक प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए, एंड दूसरा एडजस्ट करो बट एडजस्ट करने के बाद जो आप पे कर रहे हो वो 18.5 से ज़्यादा होना चाहिए।
अगर वो 8.5% से कम हो रहा है फिर एडजस्टमेंट का अमाउंट कम करो. सो कम व्हाट में मिनिमम 18.5 हैज़ टू बी पेड, तो उसके ऊपर जितना तुम एडजस्ट करो, ये गवर्नमेंट का कहना है, वही उसमें लिखा है. अब एक बार लिख लो फिर अपन प्रोविजन पढ़ते हैं, बस कॉन्सेप्ट खत्म, इतना ही है. लिख लो फटाफट. सो दो कंडीशन ध्यान में रखना है कि आपका नॉर्मल टैक्स वो प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए, एंड एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो मैट से ऊपर होना चाहिए. मैट से कम होगा तो नहीं चलेगा, फिर एडजस्टमेंट कम करना है. एंड ऐसे कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा? सर 15 साल. सर 15 साल में भी अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाए तो थैंक यू वेरी मच, फिर कुछ भी नहीं होगा. अच्छा सर, गवर्नमेंट जो हमारा पैसा यूज़ कर रही है, मैंने 4 लाख एक्स्ट्रा दिया ना, उसका बैच मिलेगा? मिलेगा ना, 0% से मिलेगा. 1 रुपये तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा फुकट में यूज करेगी? यस, एक्सेलेंट अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट, आप सही सोच रहे हो. चलो लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं. अभी कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ 2-3 पॉइंट बाकी है वो भी बता देता हूँ. हो गया? चलो देखो, नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके लिख लेना. देखो, मैट क्रेडिट, पहला टैक्स क्रेडिट बिकम्स अवेलेबल इन द असेसमेंट ईयर इन विच एसईसी पेज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद 115JB. दिया है कि मैट क्रेडिट का इशू कब आएगा? व्हेन यू आर पेइंग टैक्स एज पर बुक प्रॉफिट. नाउ द टैक्स क्रेडिट टू बी अलाउड शैल बी द डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेड फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर 115JB बुक प्रॉफिट के ऊपर टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. जो अपन ने किया था, बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स कितना है? 22 लाख एंड इनकम टैक्स 18 लाख आ रहा है, तो जो डिफरेंस 4 लाख है उसको बोलते हैं मैट क्रेडिट. वही लिखा है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया. ये जो आपने 4 लाख एक्स्ट्रा दिया उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, सो ये 4 लाख कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 15 साल. द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू 15 ईयर्स इमीजिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच क्रेडिट बिकम्स अवेलेबल. जिस साल एक्स्ट्रा दोगे उसके अगले 15 साल, जिस साल एक्स्ट्रा दोगे उसके अगले 15 साल एडजस्ट कर सकते हो. नाउ कौन सी ईयर में सेट ऑफ कर सकते हो? 15 साल में कभी भी, बट दो कंडीशंस. पहला, नॉर्मल टैक्स शुड बी मोर देन मैट. देखो दिया है, द टैक्स रेट शैल बी एडजस्टेड शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ इन द ईयर व्हेन टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब इनकम टैक्स, एक्सीड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. सो जब नॉर्मल टैक्स मैट से ज़्यादा रहेगा, जो अपन ने किया इस साल में यहाँ पे, देखना 20 लाख 18.5% से ज़्यादा है, 25 लाख 20 से ज़्यादा है तो ही एडजस्ट होगा. और एडजस्ट कितना होगा आपको समझ में आ गया. एडजस्ट करने के बाद 18.5% से कम देना अलाउड नहीं है, उतना एडजस्ट करना है. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स रेट एलिजिबल, वही दिया है. द सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर एनी असेसमेंट ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड टैक्स विच वुड हैव बीन पेएबल अंडर द प्रोविजन ऑफ 115JB एज द केस मे बी फॉर असेसमेंट ईयर. तो ये 0.5 छोड़ दो, मैंने आपको जो बताया वही है कि एडजस्टमेंट करने के बाद जो आप पे कर रहे हैं वो 18.5% से कम नहीं होना चाहिए. तो ये जो पे का कॉलम है तीसरा, इसमें जो अमाउंट आएगा वो 18.5% से कम नहीं आना चाहिए. ये मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो, ये मैं आगे LLP में कवर करने वाला हूँ. चलो नाउ, अब एक लास्ट पॉइंट है एंड देन थ्योरी पार्ट इज ओवर, फिर अपन अगले लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. व्हेन कैन अ नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी टू बी ट्रीटेड एज अ हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया. अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, आप पहले समझ लो. सी क्या होता था, काफ़ी सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करते थे और वो इंडिया में टैक्स नहीं देते थे. क्यों सर?
क्योंकि उनका कोई ऐसा परमानेंट फिक्स प्लेस नहीं था. छोटा मोटा शॉप लेते थे और बिजनेस करते थे, छोटा मोटा सा ऑफिस की तरह तो भी ले लेते. तो उनका कहना था कि यहाँ पे हमारा परमानेंट कोई बिजनेस नहीं है, हम टेम्प्रेरी पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम जो यहाँ पे इनकम अर्न करेंगे उसमें हम आपको टैक्स नहीं देंगे. अब इससे तो बहुत बड़ा गड़बड़ होने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया कि अगर आपका इस प्रकार का नेचर ऑफ बिजनेस है तो उसको हम इंडिया में मानेंगे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट और आपको टैक्स देना पड़ेगा. देखो, अ नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इज सेड टू हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया हैज बीन क्लेरिफाइड दिया है. देयरफॉर वो नोटिफिकेशन दिया छोड़ दो. देयरफॉर अ नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी इज सेड टू हैव परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया इफ द सेड नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया थ्रू ब्रांच सेल ऑफिस एक्सेट्रा थ्रू एन एजेंट other than independent agent who habitually exercise authority to conclude contract, regularly deliver goods or merchandise or habitually secure orders on behalf of non-resident principal. तो अगर ये काम आपके अगर इंडिया में हो रहे तो ऐसा assume किया जाएगा कि आपका permanent establishment इंडिया में है and इनकी वजह से आपको इंडिया में जो भी income मिलेगा आपको उस पर tax देना पड़ेगा. क्या क्या इंडिया में होना चाहिए? आपका branch इंडिया में है, sales office इंडिया में है, एजेंट. अच्छा, कौन सा अदर देन इंडिपेंडेंट? ना, दो प्रकार के एजेंट है. ये सोल सेलिंग एजेंट है, ये खाली आपके ही गुड्स इंडिया में बेच रहा है तो ही कवर्ड है. जैसे मोबाइल का शॉप है, सैमसंग का ऑथोराइज डीलर है, हाँ तो वही कवर्ड है. अगर मेरा शॉप में मैं सबके मोबाइल बेच रहा हूँ तो फिर मैं कवर्ड नहीं हूँ. तो कौन सा एजेंट अगर आपका इंडिया में आपका बिजनेस कर रहा है जो सोल सेलिंग आपका ही कर रहा है, खाली आपका ही काम कर रहा है इंडिया में, बाकी किसी का नहीं, तो उसके वजह से जो आपको फायदा होगा उसको इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा. उसके काम को आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा. देन और कौन सा एजेंट है? हु हैबिचुअली एक्सेस अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा कोई इंडिया में एजेंट है जो आपके भी आप पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर आपके भी आप पे वो गुड्स सप्लाई कर रहा है या आपके भी आप पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा है ना? इस तो प्रिंसिपल इंडिया के बाहर है, उसके बदले में ये लोग अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो उस प्रिंसिपल को इनके वजह से इंडिया में जो भी इनकम होगा टैक्स देना पड़ेगा. सो दैट्स इट दोस्तों. तो ये था अपना पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है. आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या मैं बताता हूँ कि क्या क्या अच्छे से पढ़ो, चाहे तो आप लिख के रखो कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं. चैप्टर एक बार पूरा पढ़ लो, बट जो इंपॉर्टेंट है पहला पढ़ना आपको अच्छे से. डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी, ये एग्जाम में आता है. दूसरा रेसिडेंट स्टेटस आता है, ठीक है. तीसरा मैट क्रेडिट पे थ्योरी क्वेश्चन आता है. चौथा जो अभी मैंने पढ़ा है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये चार क्वेश्चन आएंगे और बुक प्रॉफिट का न्यूमेरिकल आएगा. उसका थ्योरी भी आ सकता है बट वो न्यूमेरिकल करते करते ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, तो आपको एज सच उसके लिए स्पेशल एफर्ट डाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है. अपन 7-8 क्वेश्चन अगले लेक्चर में करने वाले हैं तो उसमें वो बराबर कवर हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है. इज दिस क्लियर? तो इतना पढ़ के रखना एंड एक बार रिवीजन भी करना एंड फिर अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच.